हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर चैनल आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और हम जो है कर रहे हैं टेन डेज क्रैश कोर्स टेन डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर कल हमने जो सब्जेक्ट किया था वो था आपका एस ठीक है इन दस दिनों में दस ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके एग्जाम को काफी अच्छा खासा मतलब आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से सिक्योर कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपके छह नंबर जो है वो पक्के हो गए हैं और किसी भी बच्चे को में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो मोस्टली बच्चों को जो है कल की क्लास काफी अच्छी लगी उसके लिए थैंक यू भाई सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए सीरियसली बहुत अच्छा लगा मतलब मैंने जितना सोचने और जितना करने में मेहनत की थी आपके कमेंट कर पढ़ के जो है सारी जो थी वो मतलब सारी जो थकान थी वो सब दूर हो गई है ना तो थैंक यू सो मच कि भाई इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए क्लास के ऊपर ओके okay, तो आज जो हम सब्जेक्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आपको करके मज़ा आ जाएगा बहुत कहते हैं मैं हमेशा कहती हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा करना तो भाई वही आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ करने वाले हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मैं जो है आपके एग्जाम में वेटेज की बात करूँ कि कितना जो है वेटेज रखता है तो वेटेज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहने वाला है फाइव टू सिक्स मार्क्स अगेन है ना मिनिमम तो चार क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं और मैक्सिमम पांच या छह क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे है ना इतना ही आता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम लेकिन पांच छह नंबर भी बहुत ज्यादा है है ना भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है और अगर वही है कि अगर कोई क्या जो बच्चा एक नंबर से रहा है उसको पता होता है कि भाई हाँ कैसे जो है स्टेट एग्जाम में बच्चे रह जाते हैं तो क्लियर है भाई क्लियर है तो भाई आज हम आपके जो है वही पांच मार्क्स जो है मैं यहाँ पर एवरेज मान के चल रही हूँ ना फोर ना सिक्स मैं एवरेज मान के चल रही हूँ फाइव मार्क्स जो है आज आज सिक्योर करेंगे मार्क्स हम आपके पक्के करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम डायरेक्ट हिट करेंगे एग्जामिनर के ऊपर की एग्जामिनर जो है क्या क्वेश्चन पूछता है तो सेम कल की तरह करने वाले हैं तो सेम कल की तरह करेंगे देखो भाई Uh, जो है आपके 2014 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है 2014 से 20 तक के हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं देख सकते हो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जामिनर जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अब देख लेते थ्योरी थ्योरी कैसे डिस्कस करेंगे भाई थ्योरी की बात करें तो भाई थ्योरी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आज मिलने वाली है मतलब एक पेज में आपको यहाँ पर देखो भाई इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर डिस्कस होंगे आप देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं ठीक है ठीके? तो मतलब मजा आ जाएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करने के बाद तो काफी सारी चीजें हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर अप करेंगे तो ये है आपका एक तरीके का शॉर्ट नोट्स Uh, जो कि अभी हम करेंगे लेकिन उससे पहले ऑपरेटिंग uh, सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लास्ट टाइम पे हो और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए वहां पर अगर आप सिर्फ कॉमन पेपर के लिए सिर्फ जो आपका कॉमन पेपर है कॉमन पेपर के लिए चाहते हैं 90 मार्क्स के लिए तो आपको वहां पर पे, जो है पेपर वन के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिल जाएगी वैसे तो प्राइस टू नाइन नाइन है लेकिन जब आप एन एस फिफ्टी कोड यूज़ करोगे तो आपको वन फोर्टी नाइन रुपीज में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ठीक है ऐसे ही बात करूँ कंप्यूटर साइंस मतलब आप कंप्यूटर साइंस प्लस कॉमन पेपर मतलब पूरा पूरा पेपर चाहते हो कि वन फिफ्टी मार्क्स का आपको पेपर अवेलेबल मिल जाए तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है उसका प्राइस क्या है भाई उसका प्राइस है थ्री नाइन नाइन जब आप एन एस फिफ्टी कोड यूज करोगे तो आपको ये जो है टू वन नाइन्टी नाइन रुपीज़ में मिलेगी ठीक है तो ये प्राइस फिफ्टी रूपीज का डिफरेंस है अगर आप कंप्यूटर साइंस के पोर्शन को भी लेते हो तो दस से पंद्रह पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है दस से पंद्रह पेपर्स आपको मिल जाएंगे ताकि जो है ताकि जो है आप अच्छा यहाँ पर कर पाओ ठीक है मतलब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओ आप पूरे पेपर को एनालाइज करके देख सको तो अब जो है बिना टाइम वेस्ट किए अपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को करते हैं स्टार्ट बहुत ही ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन में करवा यहाँ पर करवाते हुए चलती क्योंकि पेपर्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा कि एग्जामिनर को हिट करना है मतलब मेन तो यही है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए फालतू की कहानी और रामायण पढ़ने से कोई फायदा नहीं है मेन ये है कि एग्जाम क्लियर होना चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ मतलब कहाँ से जो है आता है तो देखो आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़े हैं तो सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते है ना तो देखो सॉफ्टवेयर के दो टाइप होती है एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपका क्या आता है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है अगर आपके सिस्टम में विंडो ही ना हो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो कैसे काम कर लोगे कर लोगे

और uh, क्या है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो एमएस ऑफिस है जो आपके एमएस ऑफिस है वो किस में आएंगे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मतलब जहां पर यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीजों को रखता है अपने फोन में कंप्यूटर में तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक है ठेके? और इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता ये नेसेसरी है समझ में आ गया बस इन दोनों में यही मेन डिफरेंस है इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है भाई इतना क्लियर है इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्लियर है ठीक है इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन से कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है तो पहला क्वेश्चन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है डेफिनेशन की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है इंटरफेस प्रोवाइड करता है इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में किसके बीच में प्रोवाइड करेगा यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में अभी सॉफ्टवेयर वाले टर्म देखी थी अब देखो हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करे वो आपका क्या कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है सपोज ये आपके यूजर है ये यूजर वन ये यूजर टू ये यूजर थ्री ठीक है बस समझ लो भाई मैं फिर यहां पर आप आपका क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा ठीक है और नीचे आपका क्या आ जाएंगे हार्डवेयर्स आ जाएंगे ठीक है नीचे आपके क्या जाएंगे हार्डवेयर तो मतलब जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो आपका कौन कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है तो डेफिनेशन क्लियर है अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड क्या होगा तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए ठीक है अब देखो थर्ड क्वेश्चन आता है कि पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कौन सी जनरेशन में यूज किया था तो भाई फर्स्ट टाइम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था वो आपकी सेकेंड जनरेशन में हमने यूज किया था ठीक है सेकेंड जनरेशन में हमने फर्स्ट टाइम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया था क्लियर है भाई इतना क्लियर है इसके बाद देखो इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ठीक है टाइप्स तो पहले में आप आते आ जाती है बैच फिर आ जाती है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग ठीक है टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग और आपका रियल टाइम ठीक है तो ये आपकी कुछ टाइप्स होती हैं किसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि भाई हम जो है बैचेज में जो है यहाँ पर जो आपकी आ, जो प्रोसेस होती है उनको बैच में कर देते हैं लाइक like, जो जिन जित जितनी प्रोसेस पे मुझे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जितनी प्लस ऑपरेशन वाली प्रोसेस है वो मैंने एक बैच में डाल दी ये अगर मुझे माइनस करना है तो जितनी भी माइनस वाली प्रोसेस है वो मैंने सेकंड बैच में डालती तो इस तरीके से हम जो है फिर क्या करेगा ये पूरा का पूरा बैच आपका जाएगा और जब तक तो ये पूरा बैच आपका एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तो तक तो दूसरा बैच स्टार्ट नहीं होगा ठीक है तो ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है कि एक टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो आपके क्या हो रहे हैं मेन मेमोरी में रिजाइड कर रहे हैं भई आपने जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स को मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं लेकिन आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को कहाँ उठा लाए जो है मल्टी जो है आपकी मेन मेमोरी में ले आए जिससे क्या होगा कि सिस्टम को जो सीपीयू है उसको वेट नहीं करना पड़ेगा उसको फटाफट चीज़ें मिलती रहेंगी समझ में भी आया भी एक तो उसको सेकेंडरी मामरी से उठानी पड़ेगी उसको फटाफट मेन मामरी में चीजें मिल रही हैं ठीक है तो ये आपका क्या कहलाता है जो है मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है क्लियर है भाई

फंक्शन आ जाते हैं तो ये जो फंक्शन होते हैं ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ये बेस मैं आपको इसलिए तैयार कर रही हूँ ताकि मैं आपको एकदम से नोट्स पढ़ाने लग गई एकदम से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताने लग गई तो आपका जो थोड़ा बेस है ना वो डगमगा जाएगा तो थोड़ा सा बेस तैयार करना बहुत जरूरी है ठीक है फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे हो गए प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया मेमोरी मैनेजमेंट हो गया आपका ठीक है सिंक्रोनाइजेशन हो गया फिर आपका जो है डिस्क मैनेजमेंट हो गया तो ये सारे आपके क्या है ये सारे आपके फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कि हम पढ़ते हैं जो कि हम पढ़ते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं जिसमें प्रोसेस देखते हैं मामली मैनेजमेंट पढ़ते हैं जिसमें पेजिंग सेगमेंटेशन ये देखा जाता है ठीक है डिस्क मैनेजमेंट करते हैं फाइल मैनेजमेंट पढ़ते हैं ठीक है तो ये सब ये सब क्या है ये सब आपके फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ठीक है कि कौन कौन से फंक्शंस कौन कौन से काम किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा तो आई होप आपको एक तरीके का मैंने पूरा जो है यहाँ पर आपका सिलेबस खोल के रख दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया कौन सी जनरेशन में आया ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों यूज कर रहे हैं एंड लास्ट है आपके फंक्शंस और फंक्शंस ही आपका क्या है पूरा का पूरा सिलेबस है क्लियर है भाई इतना क्लियर है अब हम अपने पॉइंट्स को डिस्कस करें अब वन बाय वन करके अपने पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं ठीक है हाँ जी तो यहां पे सबसे पहले देखो सबसे पहले बात करते हैं जो थ्रेड्स होते हैं थ्रेड शेयर एड्रेस स्पेस तो यहाँ पर क्या बात हो रही है जो थ्रेड्स होते हैं वो हमारी क्या होती है थ्रेड इज लाइट वेट प्रोसेस थ्रेड आपकी क्या होती है लाइट वेट प्रोसेस होती है क्या होती है भाई लाइट वेट प्रोसेस होती है ठीक है और हर एक थ्रेड का हर एक थ्रेड का खुद का क्या होता है स्टैक होता है हर एक थ्रेड का क्या होता है स्टैक होता है ठीक है समझ में आया जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो है ये क्या करती है? लेकिन जो थ्रेड है मतलब खुद का स्टैक होता है लेकिन फिर भी ये क्या करती हैं एड्रेस को मतलब हर एक जो ये ये उनको एड्रेस को क्या करती हैं शेयर करती हैं सारी की सारी जो थ्रेड्स हैं वो क्या करती हैं एड्रेस स्पेस को शेयर करती हैं ठीक है क्लियर है भाई इतना क्योंकि ये आपको जो है ट्रू uh, फॉल्स में और इस तरीके से स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्लियर है भाई क्लियर है ठीक है जो थ्रेड होती है क्या है लाइट वेट प्रोसेस है हर एक थ्रेड का खुद का अपना स्टैक होता है लेकिन ये क्या करती है बोथ हीप एंड ग्लोबल वेरिएबल्स आर शेयर बाई एवरी थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस क्या बोल रहा है कि जो भी आपके हिप है हमने प्रोसेस के अंदर देखा था आपका क्या क्या होता है स्टैक होते हैं लोकल्स वेरिएबल होते हैं हिप होता है ये सब सारी चीजें देखी थी ठीक है तो जो आपके हिप होते हैं ठीक है और जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो क्या करते हैं शेयर करते हैं एवरी थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस ठीक है एंटिटीज लाइक स्टैक रजिस्टर आर नोट शेयर एंड एवरी थ्रेड विल मतलब जो आपके स्टैक होते हैं पीसी होते रजिस्टर होते हैं ये शेयर नहीं किए जाते जैसा कि मैंने कहा कि भाई हर एक थ्रेड का अपना क्या होता है खुद का स्टैक होता है तो मतलब उनको इस चीज की जरूरत नहीं है लेकिन वो एड्रेस स्पेस को जो है शेयर करती हैं, लेकिन उनका खुद का स्टैक होता है उनके खुद के पास पीसी रजिस्टर है ये आपस में जो है शेयर नहीं करती हैं हर एक थ्रेड का अपना ये खुद का होता है क्लियर है भाई बहुत इंपॉर्टेंट था अगर थ्रेड के बेस पे क्वेश्चन आता है तो आपसे ये वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ ले जाएंगे कि जो 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 थ्रेड है है क्या जो आपके जो, uh, है, क्या आपके वो वगैरह को शेयर करती हैं एड्रेसेस को शेयर करती हैं इस तरीके से जो है आपको ऑप्शंस में पूछ सकता है ठीक है इसके बाद आता है आपका प्रियमटिव शेड्यूलिंग तो आपने देखा था जब हम प्रोसेस आपने पढ़ा है ठीक है जब आपने प्रोसेस पढ़ा है जैसे देखो जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं ठीक है प्रोसेस क्या होती है प्रोसेस में आपकी कितनी स्टेट होती है पांच स्टेट होती है कितनी स्टेट होती है पांच ठीक है कौन कौन सी न्यू रेडी रनिंग और आपका टर्मिनेट ठीक है एक और रह गई कौन सी रह गई भी वेटिंग यहां पे आप इसको ब्लॉक भी कहते हो ये कहते हैं ठीक है ठेके? अब देखो न्यू आपका क्या है सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मैमरी से आपकी प्रोसेस कहां जाएगी मेन मेमोरी में कहां पे जाएगी मेन मेमोरी में ठीक है मेन मेमोरी में आपकी प्रोसेस गई मेन मेमोरी में आपकी प्रोसेस गई और मेन मेमोरी में प्रोसेस जाने के बाद जो है नॉर्मल प्रोसेस आपके एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ पर जाएगी सीपीयू के पास जाएगी यानी कि रनिंग में जाएगी तो सीपीयू के पास आपकी प्रोसेस गई ठीक है सपोज नॉर्मली चलेगी और वो जो है जो एग्जीक्यूट भी हो गई और वो आपकी टर्मिनेट हो गई ठीक है तो ये वाला जो हुआ ये आपका क्या था नॉन प्रीएम्प्टिव ये वाली जो शेड्यूलिंग थी वो आपकी कौन सी थी नॉन थी ठीक है लेकिन अब यहाँ पे देखो सपोज आप जो है यहाँ पर P1 प्रोसेस आई और वो एग्जीक्यूट हो रही है लेकिन P2 प्रोसेस जो उसे हाँ है हाई प्रायोरिटी की मतलब इसकी जो है यहाँ पे ज्यादा चलती है मतलब ये बहुत पावरफुल है अब ये जैसे ही आया तो अंदर जो बेचारा P1 अपना काम कर रहा था उसको बाहर भेज दिया गया बोला कि आप दो मिनट बाहर बैठो हम जो है आपसे बात करते हैं ठीक है ठीक है आपका काम ठीक है आप बाहर बैठो ठीक है तो जो पी टू था उसको अंदर ले लिया पीवन को वापस भेज दिया कहाँ पे यहाँ पे और पी टू कहाँ चली गई यहाँ पे ठीक है तो मतलब जबरदस्ती P1 चाह रहा था कि भी मेरा सारा काम हो जाए अच्छे से हो जाए लेकिन जबरदस्ती P1 नहीं चाह रहा था जाना लेकिन P1 को जबरदस्ती भेज दिया गया सपोज जो है आप कोई काम कर रहे हैं और आपका मन है काम करने का और लेकिन जो है आपको जबरदस्ती काम ना करने दिया जाए तो वो आपका क्या होगा प्रियमटिव क्या होगा प्रियमटिव मतलब आपके साथ जबरदस्ती क्या आपके पास आपके साथ फोर्सफुली मतलब फोर्सफुली जो है एक प्रोसेस को हटा के दूसरी प्रोसेस को कर दिया ठीक है समझ में आया समझ में आया सपोज जो है आप जो है गाने सुन रहे हैं या फिर फोन देख रहे हैं या कुछ भी टीवी कर रहे हैं ठीक है टीवी देख रहे हैं क्योंकि पढ़ना तो बहुत कम लोगों को पसंद है तो सपोज जो है आप गाने सुन रहे हैं ठीक है आपके घर वालों ने कहा बहुत देर हो गई है बंद करो अब ठीक है लेकिन आप नहीं चाह रहे हैं उस काम को बंद करना समझ में आया तो भाई जबरदस्ती आपसे बंद करवा दिया गया तो यानी कि वो क्या है समझ समझ में आ गया, समझ में आ आ गया गया और अगर आपको करने दिया गया तो भाई आपके ऊपर कोई वो है ही नहीं तो नॉन प्रियमटिव मतलब बिना, आप, बिना उसके आप कर रहे हो ठीक है क्लियर है अभी दो दो चीजें होती है एक होता है प्रियमटिव एक होता है नॉन प्रियमटिव प्रियमटिव होता है जबरदस्ती मतलब हमारा मन नहीं है लेकिन फिर भी हमें काम करना पड़ रहा है नॉन प्रियमटिव मतलब ठीक है भाई किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है सब अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं क्लियर है भाई क्लियर है, है ये कहानी ओके अब देखो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये था आपका रेडी स्टेट अब देखो थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है थोड़ा सा टाइम लगेगा अब ये मैं सोच रहा मैडम जो है आधे घंटे में इसको निपटा दे ऐसा नहीं होगा भी चीजों को समझने में और करने में टाइम लगेगा ठीक है लेकिन हाँ ये है कि ये क्लास करने के बाद आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मेरी गारंटी है और एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट में यहाँ से आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ एक एक समझाने वाली हूँ ठीक है तो इसलिए जो है ज्यादा पैनिक मत होना अब देखो यहाँ से यहाँ आना मतलब यहाँ से यहाँ तो नॉर्मली चली गई भी मेरा नंबर आ गया तो मेरा रनिंग पास चली गई लेकिन जबरदस्ती जब मुझे यहाँ पर भेजा गया तो वो दो ही कंडीशन होंगी दो ही कंडीशन होंगी पहली कंडीशन होंगी कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई हाई

रनिंग से रेडी में आने के ठीक है ये दो केस होंगे रनिंग से रेडी में आने की या तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए या फिर आपका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए क्लियर है भाई क्लियर है क्लियर है ठीक है तो जबरदस्ती कहां पर हुई आपकी रनिंग से रेडी तो क्वेश्चन क्या था तो क्वेश्चन था प्रेम शेड्यूलिंग क्या होगी रनिंग से रेडी में आ रहे रनिंग से कहाँ पे आ रहे हैं रेडी में और नॉन प्रियम्टिव शेड्यूलिंग कहाँ होगी कि भाई अपनी मर्जी से देखो रेडी में मैंने कहा रेडिंग रेडी से जब आप रनिंग में जाएंगे रेडी से जब आप रनिंग में जाएंगे तो वो आपकी नॉन प्रियमटिव होगी मतलब भाई आपका नंबर आप वेटिंग कर रहे थे यहाँ पे आप वेटिंग कर रहे थे, थे सपोज यहाँ पे छह प्रोसेस थी वेट कर रही है कि कब मेरा नंबर आएगा तो भाई पी वन का नंबर आ गया तो भाई आपका नंबर आया आप जबरदस्ती नहीं गए तो ये आपका नॉन प्रियमटिव है समझ में आया तो नॉन प्रियमटिव आपका क्या हो जाएगा रेडी से रनिंग में जाना तो ये आपका क्या है नॉन प्रियमटिव क्लियर है भाई और प्रियमटिव कौन जाएगा कौन सा हो जाएगा रनिंग से रेडी में आना क्लियर है भाई क्लियर है ये कहानी क्लियर है टोटल क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि टोटल स्टेट कितनी हो गई टोटल स्टेट कितनी हो गई पांच कितनी स्टेट हो गई पांच ठीक है नॉन प्रियमटिव प्रियमटिव समझ में आ गया न no... क्लियर है भाई इतना और प्रोसेस क्या होती है प्रोसेस क्या होती है प्रोसेस की डेफिनेशन बताएगा कोई प्रोसेस क्या होता है प्रोग्राम इज़ रनिंग स्टेट या फिर एग्जीक्यूशन स्टेट देखो एक प्रोग्राम है आपने प्रोग्राम लिखा करो प्रोग्राम बनाया है मतलब उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है तो ठीक है लेकिन जैसे ही वो एक्जीक्यूशन में चला जाएगा जैसे ही वो एग्जीक्यूशन में चला जाएगा तो वो आपकी क्या बन जाएगी प्रोसेस बन जाएगी इसलिए जो है प्रोसेस आपकी कौन सी स्टेट होती है एक्टिव एक्टिव क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है और जो आपका प्रोग्राम होता है प्रोग्राम जो होता है वो आपका कौन सा स्टेट होता है पैसिव कि आपने बना के रख दिया है, बस ठीक है या आपका पैसिव स्टेट है ठीक है प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूशन में चला जाए तो आपका क्या बन जाता है प्रोसेस बन जाता है इतना क्लियर है कि पांच प्रोसेस हो गई प्रोसेस की डेफिनेशन है प्रियमटिव नॉन प्रियमटिव क्लियर है क्लियर है अब यहां से थोड़ी सी कहानी और समझा देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा आगे और बता देती हूँ तो ये पांच स्टेट मेरे साथ फटाफट बोलो न्यू रेडी रनिंग टर्मिनेट और आपका वेटिंग अब आप सोच रहे हो कि मैडम ने ये वाली कहानी हमें क्यों नहीं बताई वेटिंग और ब्लॉक ठीक है अब देखो देखो अब यहाँ से प्रोसेस गई भाई अपनी मर्जी से गई यहाँ से प्रोसेस आई तो जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती यानी कि प्रेमटिव यहाँ पे उसको भेज दिया गया अब रनिंग से प्रोसेस देखो जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट प्रोसेस यूज करने होते हैं तो प्रोसेस आपकी वेटिंग में आ जाती है मतलब जब मुझे आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हैं तो मैं कहाँ आ जाऊंगी वेटिंग में आ जाऊंगी मतलब वेट स्टेट में पहुंच जाऊंगी ठीक है और जब मैं जब जब मेरा यहाँ पे आईओ ऑपरेशन का काम खत्म हो जाएगा तो आप वापस रनिंग में नहीं जा सकते ये पॉइंट हमेशा याद रखना हम जो है वेटिंग से कभी भी रनिंग में नहीं जा सकते आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिखेगा कि वेटिंग टू रनिंग वेटिंग टू रनिंग हम कभी भी नहीं जा सकते क्योंकि अब मुझे वापस रनिंग में जाना है तो मुझे वापस लाइन में लगना पड़ेगा मुझे वापस कहां लगना पड़ेगा लाइन में देखो सपोज सपोज भाई आप हो ये ये आप हो ठीक है ये आप हो कलर चेंज कर देते आगे आप अच्छे से समझ पाओ ये कौन हो आप ठीक है और ये है आपकी मम्मी ये कौन है आपकी मम्मी ठीक है और ये आप सपोज ये चिंटू है कौन है चिंटू इसके मम्मी ने बोला चिंटू को कि जा बेटा मॉल में जाके ना ये ये घर का सामान खत्म हो रखा है तो ये ले आ ठीक है अब मॉल में गया बेचारा चिंटू और जो है फेस्टिवल्स का टाइम था ऑब्वियसली मॉल्स में कितनी सारी भीड़ हो जाती है तो बेचारा ये चला गया अब इसकी माँ ने जितना सामान बोला था इसने सारा जो है वो अपना ले लिया ठीक है और फिर जो है अब फेस्टिवल का टाइम था तो बहुत सारी भीड़ थी बहुत सारी भीड़ थी बेचारा लग गया लाइन में ठीक है बेचारा क्या लग गया लाइन में लग गया यहाँ पे रेडी में जो है देखो यहाँ से इसने सामान लिया ये सेकेंडरी मेमोरी से सामान उठाया क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा है तो सामान तो आपको सेकेंडरी मेमोरी से उठाना पड़ेगा फिर जो है यहाँ आकर रेडी में यहाँ पर आप लाइन में लग गए ठीक है यहाँ पे आपका कहाँ ने कहाँ सामान लिया और आप यहाँ पर आके लाइन में लग गए ठीक है तो चिंटू बेचारा यहाँ पे लाइन में लगा हुआ है चिंटू यहाँ पे लाइन में लगा हुआ है और सोच रहा है कि कब मेरा नंबर आए और बेचारे का नंबर आने ही वाला था आने ही वाला था ठीक है या फिर जो है आने ही वाला था तो उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया उसकी मम्मी का फोन आ गया मम्मी ने बोला बेटा अब जो है हमें फेस्टिवल है तो थोड़ी मिठाइयाँ विठाइयाँ भी बनानी पड़ेंगी सोच रहे हो थोड़ा घर पे ही बना लेते हैं कोरोना है तो भाई अब जो है तू ये ये सामान और ले आ ठीक है अब बेचारा चिंटू इतनी देर से जो है लंबी लाइन में खड़ा हुआ था बेचारे ने फिर से जो है जो बास्केट ले रखी थी फिर से घुमाई और जो है फिर से जो है मिठाई का सामान लेने लग गया ठीक है अब चिंटू फिर से मिठाई का सामान लेने लग गया तो ये वापस यहाँ पे आया तो भाई ये ये तो नहीं बुरे बारे यार मैं तो पहले भी यहाँ पे लाइन में खड़ा हुआ था प्लीज मुझे कटवा बिल कट कट करवाने तो नहीं भाई उसको जो है यहाँ पे उसका नंबर आने वाला था एक दो लोग ही बचे थे अब जो है वापस से दस लोग हो गए तो वापस से जो है इसको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा तो यानी कि वापस से ये इनपुट आउटपुट लेने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में गया और वापस जो है इसको रनिंग में प्रोसेस नहीं मिलेगी इसको कहां मिलेगी रेडी में तो वापस इसको कहां पे लगना पड़ेगा? लगना पड़ेगा पड़ेगा रेडी स्टेट में और फिर पे वेट करने के बाद इसको रनिंग जो यानी सीपीयू मिलेगा समझ में आया समझ में आ? तो यहां पे इसको लगना पड़ेगा, फिर इतना क्लियर है भी। किसी भी बच्चे को यहाँ से डाउट है तो मुझसे पूछ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक्स है आपके ताकि क्लियर हो सके अब देखो अगर आपको पूरा प्रोसेस वाला जो है क्लियर है अब हम बात करते हैं थोड़े शेड्यूलर्स की Schedulers में समझा देती ताकि आगे करने में मजा आ जाए देखो ये आपका न्यू है ठीक है ये आपकी क्या है? न्यू स्टेट है ये आपकी रेडी स्टेट है ये आपकी रनिंग स्टेट है ठीक है और रनिंग के बाद ये टर्मिनेट है और ये आपका जो है वेटिंग है ये आपकी ब्लॉक स्टेट है और ये, ये आपका ऐसे है ठीक है ये ऐसे है ये ऐसे है ठीक है अब यहाँ पे क्या हो गया देखो जब आपकी प्रोसेस जो है यहां पर यहां पर है ठीक है जब आपकी प्रोसेस जो है ये न्यू में है तो भाई अब देखो अब ये सेकेंडरी मेमोरी है अब नंबर ऑफ प्रोसेस कहां जाएंगे रेडी में जाएंगे रेडी में जाएंगे ठीक है जब नंबर ऑफ प्रोसेस आपकी रेडी में जाएंगी तो भाई अब मेन मेमोरी का साइज कितना है अब यहाँ पर भी तो कोई मुझे रख रखाव के लिए चाहिए ना मुझे कोई तो चाहिए ताकि वो ये देख सके कि भाई कितनी प्रोसेस रेडी में जा सकती है कहीं ओवर फो भी मैमरी का साइज छोटा और मैं बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पर भेज ऐसा पॉसिबल है नहीं तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को रख दिया जिसका नाम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कौन है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मैंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को बिठा दिया और बोला कि भाई भाई मेन मेमोरी में उतनी प्रोसेस आनी चाहिए जितना इसका साइज है ऐसा ना हो कि भाई तुम ढूंसे ढूंसे जा रहे हो ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने बोला ठीक है जी आप जैसे कह रहे हो वैसे ही काम होगा तो यानी कि न्यू से रेडी में जितनी भी प्रोसेस आती है उनका देखने का काम आपका कौन करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है क्लियर है भाई ये कहानी अब रेडी से रनिंग में जो प्रोसेस जाती है यहाँ पर भी तो मुझे को, कोई ना कोई बिठाना पड़ेगा तो यहाँ पे बैठा लिया मैंने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को क्यों शॉर्ट टर्म यहाँ पे क्यों क्योंकि यहाँ पर मेरा काम क्या है अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन में चली गई तो खत्म हो गई बाहर एग्जिट चली जाएगी तो इसलिए मैंने छोटे से शेड्यूलर को यहाँ पे बैठा दिया ठीक है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और जितनी भी मतलब और देखो यहां पे हम नया शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए मैंने बड़ा बड़े वाला शेड्यूलर लगाया क्लियर है भाई अब देखो जितनी भी प्रोसेस आपकी वेटिंग में चली जाए जिसकी जितनी भी प्रोसेस आपकी ब्लॉक में चली जाए जहां पर ब्लॉक वाला ब्लॉक नाम आ जाए वहां पर ही समझ जाना है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर यानी कि बीच का शेड्यूलर मीडियम टर्म शेड्यूलर ठीक है मतलब बीच बी, बीच वाला शेड्यूलर मैंने यहाँ पर लगा दिया कि भाई इन प्रोसेस का आधा काम हो चुका है आधा होने वाला है तो इसलिए मैंने बीच वाला शेड्यूलर लगाया इन प्रोसेस का पूरा का पूरा काम पड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़े वाला शेड्यूल लगा दिया और ये एग्जीक्यूशन में पहुंच गई है तो इसलिए मैंने छोटा सा शेड्यूलर यहाँ पर टेक दिया तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा शेड्यूलर कहाँ पर लगा है क्लियर है भाई क्लियर है बहुत ही अच्छे से बहुत ही बहुत ही अच्छे से मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करवा दिया अब आपको दिमाग में कितना फिट बैठा है वो आप देखना ठीक है

जो जो आपकी स्विचिंग होती है जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो आपकी कर्नल मोड में होती है यूजर मोड में नहीं होती आ जाता है आ जाएगा क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी बताऊंगी डिटेल में देखेंगे अभी इनको ठीक है ओके आगे देखो When the result of computation depend on the speed of process involved is set to race condition, ठीक है मतलब race condition क्या होती है Race condition क्या होती है भाई हाँ जी रेस कंडीशन क्या होती है तो रेस कंडीशन आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जहां पर मतलब एक टाइम पे हम नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं मतलब पी वन को भी कर रहे हैं और पी टू को मतलब सेम टाइम पर हम एग्जीक्यूट करते हैं जिसकी वजह से जो आपको रिजल्ट मतलब जो मिलना चाहिए एक्यूरेट रिजल्ट वो आपको नहीं मिलता समझ में आया ठीक है ओके तो यहां पे क्या कह रहा है कि कहाँ पहुंच गए

सेमाफोर सेमाफोर क्या है तो जो है इम्प्लीमेंट मतलब है, है किए कि है जाते हैं और सेमाफोर आपके क्या होते हैं सेमाफोर हम यूज करते हैं क्वेश्चन आता है बहुत बार कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आती है जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो कौन दूर करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम्स को रिमूव कौन करता है तो सेमाफोर करता है कौन करता है सेमाफोर सेमाफोर की कितनी टाइप्स होती हैं सेमाफोर की कितनी टाइप्स होती हैं दो टाइप होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहां से क्वेश्चन एक, एक तो डेफिनेशन से बनेगा एक बनेगा की जो प्रॉब्लम जो आती है वो कौन रिमूव करता है तो सेमाफोर करता है और सेमाफोर की दो टाइप होती है काउंटिंग और बाइनरी इससे जो है आपसे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा ठीक है आपके अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं हैं ठीक है 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 अब अब देखो इतना इतना अब देखो इतना इतना क्लियर क्लियर मतलब जब हम आ, जो है, swapping करवाते हैं, तो क्वेश्चन आएगा कि swapping कहां से करते हैं तो स्वैपिंग हम डिस्क से करते हैं ठीक है ठीके? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड इज मतलब आपके जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते हैं पेज रिप्लेसमेंट के पेज को हम कैसे कैसे रिप्लेस करें है ना तो उसके कुछ एल्गोरिथम होते हैं पहला होता, first come, first serve, होता है आपका आपका फर्स्ट फर्स्ट कम फिर होता है लिस्ट ठीक है लिस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ठीक है और फिर होता है आपका ऑप्टिमल मेरी राइटिंग पे मत जाना भाई राइटिंग पे मत जाना ठीक है राइटिंग पे मत जाना देखो पेज रिप्लेसमेंट के तीन मेन हम एल्गोरिथम पढ़ते हैं पहला होता है आपका आ, थोड़ा धीरे पढ़ाती हूँ थोड़ा धीरे पढ़ाती हूँ ठीक है पहला होता है फर्स्ट कम फर्स्ट हाउस सेकंड होता है लिस्ट और थर्ड होता है आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अब फर्स्ट कम फर्स्ट हाउ में आपकी एक प्रॉब्लम आती है जो कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर को इससे कुछ ज्यादा ही प्यार है एग्जामिनर को इससे कुछ ज्यादा ही प्यार है जिसको हम कहते हैं ब्लड इज अ नॉर्मली प्रॉब्लम ठीक है ये क्यों अक्कर होती है ये इसलिए अक्कर होती है अगर मैं नंबर ऑफ पेज अगर मैं नंबर ऑफ पेज फ्रेम का साइज इंक्रीज कर दो अगर मैं पेज फ्रेम का साइज जब आप को, आपको क्वेश्चन आएगा ना तो बोलेगा कि आपके पेज का फ्रेम तो इंक्रीज हो जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं ब्लडीज एनोमली कहते हैं ठीक है तो दो क्वेश्चन यहां पे बन गए पेज रिप्लेसमेंट में फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्व में आपकी ब्लडी एनोमली जो है वो आती है और ब्लडी एनोमली का मतलब ये है कि जब आपके आ, अगर आप नंबर ऑफ पेज फ्रेम का साइज अगर आपका बढ़ जाए तो नंबर ऑफ पेज फोल्ट भी आपके क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं मतलब दोनों चीज़ें ही इंक्रीज हो जाती हैं क्लियर है अभी होना ऐसे चाहिए था अगर हम फ्रेज का फ्रेम का साइज इंक्रीज कर दें तो आपके पेज फोल्ट कम होने चाहिए थे लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट टर्म में क्या होता है कि आपके पेज फ्रेम भी क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी कौन सी प्रॉब्लम अक्कर होती है ब्लडी और प्रॉब्लम अक्कर होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा और एग्जामिनर को बहुत ही प्यार इस है इस क्वेश्चन से सही में ठीक है ये मैं सोचना मैडम मजाक कर रही है मजाक नहीं कर रही है अभी ओके यहाँ तक क्लियर है भाई यहाँ तक क्लियर है आप सोचोगे मैडम एक पेज में इतनी सारी चीजें हैं और एक पेज को करने में हमें आधा घंटा लग गया तो फोर्टीन पेजेस में कितना टाइम लगेगा <laughs> तो ऐसे भाई अब सिलेबस मतलब टॉपिक आपका थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा लंबा टाइम तो आज हमें लगने वाला है ठीक है

उसके बाद देखो वर्चुअल मेन मेमोरी हेल्प टू लोड मोर देन वन मेमोरी जो वर्चुअल मेन मेमोरी है वो हेल्प करती है लोड करना मोर देन वन मेमोरी को ठीक है मतलब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है वर्चुअल मेमोरी वैसे तो एक इल्यूजन होता है मतलब होती नहीं है मतलब मतलब uh, मैं वर्चुअल मेमोरी में यूजर को लगता है कि भाई मेमोरी के पास बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही बड़ा साइज है और उसमें हम एक से ज्यादा मेमोरी जो है वो कर सकते हैं क्योंकि वर्चुअल मेमोरी आपकी क्या है सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें आपकी बहुत सारी मतलब बहुत आप जो है यहाँ पर साइज ले सकते हो

जो थ्रेड होते हैं उनको ब्लॉक नहीं करते यूजर लेवल थ्रेड ब्लॉक थ्रेड जो यूजर लेवल होते हैं वो जो है ब्लॉक कर देते हैं कर्नल लेवल जो है वो प्रीविलेज मोड है कॉन्टेक्स्ट टाइम जो है इज मोर देन कर्नल लेवल थ्रेड देन इन यूजर लेवल क्योंकि जो आपका कॉन्टेक्ट स्विचिंग क्योंकि आप मैंने कहा था कि जो कर्नल होता है वहां पर आपकी कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है लेकिन यूजर में नहीं होती वहां पर कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ना तो कर्नल इज अनर ऑफ यूजर लेवल थ्रेड कर्नल को नहीं पता होता यूजर लेवल थ्रेड के बारे में कनल सपोर्टेड थ्रेड हैविंग ओन मैमरी एरिया ठीक है कर्नल जो है सपोर्ट करता है उसका खुद का क्या है प्राइमरी एरिया है कर्नल लेवल थ्रेड आर मैनेजेबल इंडिपेंडेंटली बाई ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ से इसको ले वो, कर्नल कर्नल कहाँ पे होते हैं कर्नल आर्मी में आर्मी में आपने नाम सुना होगा बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है काफी सारे स्टार लगे होते हैं कर्नल के ठीक है तो भाई कर्नल जो है एक बहुत ही बड़ी हस्ती है अब बहुत ही बड़ी हस्ती है तो उसकी खुद की खुद का क्या होगा प्रीविलेज मोड होगा भाई खुद की प्रीविलेज लाइफ होगी है ना भाई उसकी कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी भाई उसको कोई भी काम करने में टाइम लगेगा क्योंकि वो इतना बड़ा है कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया तो कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी वहाँ पे कि बार बार उसको जो है स्विचिंग करनी पड़ रही है मतलब बार बार लोग उसके पास आ रहे हैं उसको एक काम छोड़ना है दूसरा करना पड़ रहा है तो मतलब उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है ठीक है भाई अब इतना बड़ा आदमी है तो उसके पास खुद का मेमोरी एरिया है uh, भाई खुद का स्पेस है ठीक है जो है कर्नल जो है वो आपका मैनेज करता है इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब भाई अब इतना बड़ा आदमी है तो ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट ही है मतलब जो है है आराम से मैनेज कर लेता है, तो वही है और वो जो है शेयर करता है कोर्ट सेगमेंट भी सभी को जो है नॉलेज देता है सभी को एडवाइस देता है कि भाई ऐसे करो वैसे करो ठीक है किसी को ब्लॉक नहीं करता भाई इतना बड़ा आदमी है तो सभी को अच्छी एडवाइस देगा क्यों ब्लॉक करेगा ठीक है तो भाई इस तरीके से जो है आप इन सारी इन सारे पॉइंट्स को याद कर सकते हो तो बस मेन तो आपको ये रखना है कि कर्नल लेवल में जो है स्विचिंग नहीं हो, हो, होती है और जो आपका यूजर में नहीं होती है इसका प्रीविलेज मोड है इसके पास खुद का मेमोरी है ये खुद मैनेज कर लेता है ये सारी चीजें बस आपको नॉर्मल अगर ये कहानी याद हो गई है तो आप आराम से जो इन पॉइंट्स को भी याद कर सकते हैं ठीक है आगे देखो भाई आगे देखो बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो वेस्टेड स्पेस विद इन अलोकेटेड ब्लॉक ऑब्वियसली इंटरनल देखो दो तरीके की फ्रेगमेंटेशन होती है एक होती है आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक आपकी होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ठीक है अब क्वेश्चन आ जाए पेजिंग 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 में आपकी कौन सी प्रॉब्लम अगर होती है पेजिंग में आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की देखो पेजिंग में हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो दूर कर देते हैं लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है और सेगमेंटेशन में क्या होता है सेगमेंटेशन में हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को तो दूर कर देंगे लेकिन वहां पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपका आ जाता है ठीक है ये पॉइंट्स होते हैं कुछ याद रख लेना तो क्वेश्चन आ जाए पेजिंग में कौन सी फ्रेग, कौन सी प्रॉब्लम होगी तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है याद रखना भाई इस पॉइंट को ठीक है ओके तो पेजिंग में क्वेश्चन आ जाएगी कौन सी होती है तो पेजिंग में याद रख लेना ठीक है पेजिंग में याद रख लेना भाई ओके okay. और एक्सटर्नल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपकी कहाँ पे होती है सेगमेंटेशन में तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है जो आपका स्पेस होता है वो वेस्ट हो जाता है जो भी आप ब्लॉक uh, एलोकेटेड करते हो भी इंटरनल क्या होता है कि भाई इस तरीके से आपने ब्लॉक एलोकेटेड किया सपोज पूरा नहीं आया इतना सा आया तो ये आपकी जो है इंटरनली वेस्ट हो जाएगी ठीक है तो देखो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज द वेरियस फ्री स्पेस होल दैट आर जनरेटेड इन आइदर यूर मैमरी और डिस्क स्पेस ठीक है जो आपका फर्स्ट फिट एल्गोरिथम है जो आपका बेस्ट फिट एल्गोरिथम है ठीक है फॉर मामरी अलोकेशन सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मतलब जब आपकी एक्सटर्नल जब आपकी मेमोरी जो है वो सफर करेगी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से तो वहां पे हम कौन सी स्ट्रेटेज यूज करेंगे फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट ठीक है तो ये हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन आ जाए कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो और आपकी मेमोरी आपको मतलब कौन सा जो है आप एल्गोरिथम यूज करेंगे तो फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट दोनों ही यूज करेंगे ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन कर लो ज्यादा बड़े नहीं है ज्यादा बड़े नहीं है मतलब साथ के साथ आप सुन सकते हो और फटाफट इनको लिख सकते हो और लास्ट टाइम पे फटाफट इनको रिवाइज कर सकते हो ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क मतलब एक जो है कॉपी करना प्रोसेस को मेमोरी से डिस्क में अलाउ स्पेस फ्रॉम अदर प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग तो इसको हम क्या कहते हैं स्वैपिंग कहते हैं ठीक है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन थ्री यूजर प्रोसेस इच रिक्वायरिंग टू यूनिट ऑफ रिसोर्सेज आर द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट ठीक no है अब देखो आपके पास क्या है तीन आ, तीन प्रोसेस हैं तीन यूजर प्रोसेस हैं और दो हर एक प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट होने के लिए दो दो यूनिट चाहिए दो दो रिसोर्सेज चाहिए ठीक है आपके पास तीन प्रोसेस है पी वन पी टू और पी थ्री रिसोर्सेज चाहिए इसको एक्जीक्यूट होने के लिए दो चाहिए इसको दो चाहिए और इसको दो चाहिए अब इसने बोला है कि मिनिमम मिनिमम हम कितना कर सकते हैं मतलब मिनिमम जो है मिनिमम ऐसे हमें मिनिमम कितने रिसोर्सेज हम यूज करें कि भाई हमारा डेड लॉक भी ना हो डेडलॉक भी ना हो और मिनिमम रिसोर्सेज हमें यूज करने पड़े अगर वैसे तो बात करें तो मैक्सिमम तो आपके छः हैं भाई छः है ना छ दो दो छः रिसोर्सेज हुए तो दो दो तीनों को दे दिए ठीक है अब मिनिमम की बात हो रही है तो मिनिमम की बात हो रही है तो आप क्या करोगे तीनों ही प्रोसेस को जितने चाहिए उससे एक कम दे दोगे अब इसको दो चाहिए तो एक कम दूंगी तो एक बच गया यहाँ पर भी एक बच गया और यहाँ पर भी एक बच गया ठीक है अब देखो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितने चाहिए एक प्रोसेस चाहिए मतलब एक एक और चाहिए तो टोटल कितने हो गए अब देखो जब जब आपका पी वन एग्जीक्यूट होगा जब आपका पी वन एग्जीक्यूट होगा तो वो ये दो रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा भी जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो इनका करेगा क्या भाई जब आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा जब आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगा तो फिर आप थोड़ी पढ़ोगे फिर तो आप पढ़ाओगे तो भाई आपका बुक्स का और इन सबका क्या काम रह जाएगा कुछ नहीं रहेगा तो भाई अब इसका काम खत्म हो गया तो क्या करेगा इन रिसोर्स इनको रिलीज कर देगा जब आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगा तो आपके जो नीचे वाले हैं आप उनको गाइड करोगे कि ऐसे करना है वैसे करना है आपके पास जो नोट्स हैं कुछ भी है तो

तो आपको हमेशा यही करना है कि मैक्सिमम मैक्सिमम है तो भाई उसमें से एक माइनस कर देना भाई जितने रिसोर्सेस हैं उसमें से एक कम करके सभी को दे देना जितनी भी आपकी प्रोसेस है और फिर एक ऐड करवा देना बस वही करना है आपको और कुछ नहीं करना ठीक है

ध्यान से पढ़ो वही फॉलोइंग टेक्निक अलाव एक्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम लार्जर देन द साइज ऑफ फिजिकल भी फिजिकल मेमोरी के साइज से क्या है भाई आपका कितनी मतलब क्या कर रहा है कि कौन सी टेक्निक है जो अलाउ करिए एक्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम लार्जर देन द साइज ऑफ फिजिकल मैमरी तो हम उसको क्या कहेंगे डिमांड पेजिंग क्या कहेंगे डिमांड पेजिंग ठीक है ओके okay, आगे देखो अगेन स्टेट ऑफ प्रोसेस आ गई वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ तो न्यू क्या होता है यहाँ पर प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है रनिंग में जो आपकी इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं रेडी में आपकी प्रोसेस वेट करती है कि कब हमारा नंबर आएगा वेटिंग में अगर किसी प्रोसेस का आइए ऑपरेशन यूज करने होते हैं तभी जाती है और टर्मिनेट में आपकी प्रोसेस फिनिश हो जाती है सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं वैन मैकेनिज्म दैट ब्रिंग अ पेज मेमरी ओनली वेन इट इज नीडेड तो हम इसको क्या कहेंगे जब हमें जिस पेज की नीड होती है हम उसको क्या कहते हैं डिमांड पेजिंग कहेंगे क्लियर है भाई क्लियर है इतनी सारी कहानी अब ये देखो यहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा भी पूछ सकता है फर्स्ट कॉम फर्स्ट सौ एफ शॉर्टेस्ट राउंड शॉर्टेस्ट रनिंग सॉरी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ठीक है इसकी फुल फॉर्म है क्या पता आपसे इसी फुल फॉर्म ही पूछ ले शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ठीक है और ये आपका राउंड रोबिन होता है और ये आपका प्रायोरिटी है सभी के ऊपर आपसे कोई भी न्यूमारिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल पूछ सकता है एग्जामिनर ठीक है तो भाई ये देख लो वन बाय वन करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले देखो ये आपकी प्रोसेस आईडी है पी वन पी टू पी जो है पी थ्री अराइवल टाइम की प्रोसेस जो है कब आपकी मामरी में पहुंची है ठीक है कब आई है तो ये पहुंची जीरो पे ये पहुंची दो पे ये पहुंची तीन पे ठीक है और ये आपका जो है बस टाइम है तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपका कहता है बहुत ही आसान सी टेक्निक है जो पहले पहले आएगा मैं उसको दूंगा मैं किसी के साथ हमारा मारी मगजमारी नहीं करने वाला कि भी जो मेरी दुकान पे पहले आएगा मैं उसको पहले सामान दे दूंगा और नक्की कर दूंगा समझ में आ गई कहानी ठीक है अब देखो सबसे पहले आया पी वन तो इसने कोई दिमाग नहीं लड़ाया पी वन को सीधा उठा के जो है एग्जीक्यूशन में, में डाल दिया रनिंग में डाल दिया अब इसका फर्स्ट टाइम था तीन अब जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक तो छोड़ेगा नहीं ठीक है तो ये तीन तक एग्जीक्यूट हुआ जैसे ये तीन तक एग्जीक्यूट हुआ उस टाइम पे जो है आपकी पी भी आ चुकी थी पी आ चुकी थी तो भाई इसने जो है फिर P2 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया वैसे तो पीथरी भी आ गई थी लेकिन उससे पहले पीटू आई थी तो पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा P2 को एग्जीक्यूट करेगा तो इसने P2 को एग्जीक्यूट कर दिया ठीक है और P2 जब आपकी खत्म हो गई उसके बाद इसने P3 को एग्जीक्यूट कर दिया सिंपल सी कहानी है भाई पहले अब आया उसको पहले पाया मतलब जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा बस और इसमें कुछ भी मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई जिस तरीके से आपको अराइवल टाइम दे रखा है आप उसी तरीके से जो है गेंद चार्ट बना दीजिए आप पूछे कि भाई जो है टोटल तो यहां पर टाइम ये हो गया ये आपका कंप्लीशन टाइम है तो पी वन का कंप्लीशन टाइम थ्री है पी टू का फाइव है और पी थ्री का सिक्स है ठीक है वेटिंग टाइम आपसे पूछ सकता है तो वेटिंग टाइम आपका क्या होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग सॉरी हा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम तो ये आपका क्या कहलाएगा वेटिंग टाइम कहलाएगा और टर्न अराउंड टाइम होता है आपका कंप्लीशन टाइम टाइम माइनस अराइवल ठीक है तो यहां से आप टर्न अराउंड टाइम टाइम निकाल देना और वेटिंग आपसे पूछे तो टर्न अराउंड टाइम टाइम माइनस बस कर देना तो इस तरीके से जो आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्लियर है भाई क्लियर है अब देखो अगर मैं इसका जो है वेटिंग टाइम आपको अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का निकाल के दिखाऊं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे अब टर्न अराउंड टाइम अगर मैं पी वन का निकालू तो पी वन के लिए क्या हो जाएगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम अराइव के कब हुआ था जीरो पे तो थ्री हो गया P2 के निकालू P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है फाइव अराइव कब हुआ था टू पे तो इसका जो है कंप्लीशन टाइम क्या है इसका जो है टर्न अराउंड टाइम का आ गया थ्री ठीक है अब मैं P3 के लिए निकालू P3 का जो है कंप्लीशन uh, टाइम क्या है सिक्स और कब आया था थ्री पे तो ये भी क्या हो गया आपका थ्री क्लियर है भाई क्लियर है ठीक है अब देखो थ्री 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 आ गया अब जो इसका वेटिंग टाइम निकालो वेटिंग टाइम पी वन का मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम माइनस बस टाइम तो अब मुझे बताओ थ्री माइनस थ्री कितना हो गया जीरो तो क्या पी वन को वेट करना पड़ा था क्या कि पी वन को वेट करना पड़ा था नहीं भाई जैसे ही आया उसको प्रोसेस मिल गया तो उसको वेट करना ही नहीं पड़ा तो इसका वेटिंग टाइम हो गया पी वन का पी वन का वेटिंग टाइम हो गया आपका जीरो ठीक है पी टू की बात करूं तो पी टू को देखो

और इसका जो है कंप्लीशन टाइम जो है बस टाइम क्या है वन तो थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा टू तो पी थ्री का जो वेटिंग uh, टाइम है वो क्या आ जाएगा टू वैसे भी देखो ये आपका थ्री पे अराई हो चुका था और इसको मिला कब सी पी पे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पे अब देखो p p जो है पी वन का जीरो है पी टू का वन है और पी थ्री का जो है टू है तो टोटल कितना आ गया थ्री और एवरेज निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम एवरेज वेटिंग टाइम में तो टोटल कितनी प्रोसेस है तीन तो तीन से ही डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा वन तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ गया वन आ गया ठीक है तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम अगर पूछे तो वन आ जाएगा तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई इससे ज्यादा जो है आपसे नहीं पूछेगा ठीक है सबसे बेस्ट जो है आपका आप फर्स्ट है क्योंकि यहां पे सबसे कम जो है आपका क्या आता है वेटिंग टाइम आता है सबसे कम वेटिंग टाइम आता है ठीक है अब करके भी देख लो अब देखो यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना आया वन आया यहां पे एवरेज वेटिंग टाइम आपका कितना आया वन आया अब यहां पे देखो देखो एसॉर्टेज जो फर्स्ट कहता है कि भाई जो प्रोसेस पहले पहुंचेगी मतलब जो प्रोसेस जो छोटी प्रोसेस पहले आएगी मतलब जो मुझे छोट, पहले आए या बाद में आए इसको पहले और बाद से फर्क नहीं पड़ता इसको फर्क पड़ता है जो छोटी प्रोसेस होगी मैं पहले उसको एग्जीक्यूट करूंगा मुझे और किसी से मतलब नहीं है बस सीधी सी कहानी है अभी मैं छोटे-छोटे काम पहले करूंगा मुझे बड़े काम नहीं करने ठीक है अब क्या हुआ अब देखो सबसे पहले प्रोसेस आई P1 तो और तो प्रोसेस थी नहीं तो बेचारे के पास कोई चांस ही नहीं है इसको यही काम करना पड़ेगा आप कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप घर में फंस जाओ मतलब आप घर में हो ठीक है आपकी मम्मी ने बोला कि ये काम तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा तो आपको करना पड़ेगा ठीक है तो इसने क्या किया पीवन को एग्जीक्यूट कर दिया और ये प्रियमटिव तो है नहीं तो भाई पीवन को किया तो ये पीवन को पूरा करेगा ठीक है

ठीक है क्योंकि पी वन जीरो पे आया और जीरो पे इसको क्या मिल गया प्रोसेस मिल गया तो इसको वेट तो करना ही नहीं पड़ा अब पी थ्री देखो पी थ्री आपका थ्री पे आया और थ्री पे ही आते ही इसको क्या मिल गया सीपीयू मिल गया तो इसको भी वेट नहीं करना पड़ा तो इसका भी वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका भी वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा जीरो ठीक है अब देखो पी टू आपका कब आया था टू पे पी टू कब आई हुआ था टू पे लेकिन इसको सीपीयू कब मिला फोर पे तो यानी कि यहां पर वेट कितना आपको करना पड़ा दो तो यहाँ पे दो ठीक है और अगर मैं इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालू तो क्या आ जाएगा टू बाई थ्री तो क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट मतलब तो हम जीरो सिक्स सकते हैं। तो देखो, इसका वन था और इसका जीरो पॉइंट सिक्स सेवन था तो ऑब्वियसली किसका कम हुआ किसका कम हुआ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का तो सबसे जो मिनिमम जो जॉब फर्स्ट देता है तो आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट देता है ठीक है तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर हाँ जी ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए फर्स्ट कम एफ ये इंपॉर्टेंट है भाई से से आप मान के चलो एक question fix है। यहां से एक है आपका आएगा ही आएगा ही फिर आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ये आपका प्रेम्... ये आपका प्रियमटिव है मतलब ये क्या करेगा जबरदस्ती भी निकाल देगा मतलब ये जबरदस्ती भी निकाल देगा इसको मतलब नहीं है ये जबरदस्ती भी प्रोसेस को निकाल देगा ठीक है अब देखो अब यहाँ पे देखो जिसका कम है उसी को एक्ट करेगा तो वापस इसने पी वन को एक्सिक्यूट किया थ्री टाइम पे थ्री पे जैसे ही एक्जीक्यूट किया तो आपकी दो प्रोसेस जो है आ गई है मेमरी में पी टू और पी थ्री तो फिर एग्जीक्यूट करेगा आपके पी टू को एक्जीक्यूट करेगा Sorry, P3 को एग्जीक्यूट करेगा और पी थ्री को एग्जीक्यूट करने के बाद ये किसको ही पी टू को क्योंकि और तो प्रोसेस है नहीं तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हम इसको करेंगे अब राउंड रोबिन आपका क्या कहता है राउंड रोबिन में जो है आपको टाइम क्वांटम गिवन होता है कि इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को हम इक्वल रिस्पॉन्स देते हैं हर एक प्रोसेस को हम इक्वल जो है रिस्पॉन्स देते हैं सपोज जो है अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्योंकि हर किसी को रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा लगता है कि भाई अब आप, आप जो है दस बच्चे हैं और मुझसे बोल रहे हैं तो मैं एक ही बच्चे की बात सुनती रहूं तो गलत बात है सभी को मैं बराबर 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 रिस्पॉन्स दूं भाई सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम दूं तो फिर सभी को इक्वली जो है रिस्पॉन्स मिलेगा ठीक है तो ये होता है आपका रिस्पॉन्स अब यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात की जाए तो हर एक को जो है टाइम क्वांटम क्या है दो 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 यूनिट है मतलब हर एक को जो है दो टाइम दो, दो यूनिट टाइम में एग्जीक्यूट करूंगी तो सबसे पहले मैंने P1 को एग्जीक्यूट किया दो यूनिट टाइम ठीक है मैंने P1 को एग्जीक्यूट किया तो P1 को जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया उसके बाद क्या हुआ इसमें हम क्या करते हैं साथ के साथ जो है टेबल भी मेंटेन करते हैं साथ, साथ के साथ रेडी क्यू को भी मेंटेन करते हैं ताकि जो है ये यहां पे देखो ये मेरा रेडी क्यू है यहाँ पे हम रेडी क्यू को भी maintain करना पड़ता है तो सबसे पहले मैंने P1 को execute किया। P1 को किया करने के बाद टाइम, क्योंकि टाइम कितना है दो दो जैसे ही जो इसका टाइम खत्म हुआ फिर मैं दूसरी प्रोसेस को ले लूंगी और ये वापस से आपकी पी वन आपका वापस से कहाँ पे आ जाएगा मेन मेमोरी में ये वापस से आ जाएगा ना वापस से मेमोरी में आ गया अब मैंने किसको ले लिया पी टू को अब मैं इसको दो टाइम एग्जीक्यूट करूंगी तब उस तब तक जो है आपकी पी थ्री भी आ गई फिर जो है अब पहले कौन थी पहले कौन थी पी वन थी तो मैं वापस से पी वन को लूंगी मैं, मैंने वापस से पी वन को एग्जीक्यूट किया कब तक क्यों, इसका टाइम कितना बचा हुआ था वन तो वन मिनट तक मैंने पी वन को एग्जीक्यूट किया उसके बाद जो है मैंने पी थ्री को एग्जीक्यूट किया और आपका जो है प्रोग्राम खत्म हो गया क्लियर है भाई क्लियर है मतलब राउंड रोबिन में जो है आपको रेडी क्यू को भी मेंटेन करना पड़ता है मतलब जो मेन जो मेमोरी में पहले चला जाएगा हम पहले उसको जो है टाइम रिस्पॉन्स देंगे अब देखो टू पे आपका जो है वन चला गया था और टू पे जो आपकी थ्री नहीं आई थी ये बाद में आई थी तो इसलिए जो है हम पी वन को रिस्पॉन्स देंगे थ्री को बाद में देंगे क्लियर है भाई इसके बाद आता प्रियोरिटी प्रियोरिटी जो होती है मतलब ये कहती है कि भी जिसकी हाइएस्ट प्रायोरिटी है जिसकी हाइएस्ट जो है उसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे

अब देखो डिस्पैचर डिस्पैचर आपका क्या करता है डिस्पैचर गिव कंट्रोल ऑफ टू टू प्रोसेस बी सिलेक्टेड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ठीक है है डिस्पैच डिस्पैच लेटेंसी लेटेंसी क्वेश्चन आ जाए क्या होती तो टाइम टेकन बाय डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अदर मतलब वो टाइम टेकन जो डिस्पैचर के द्वारा लिया जाता है इसका काम क्या होता है कि एक प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देना ठीक है अब यहाँ पे कुछ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं सीपी यूटिलाइजेशन क्या होता है यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सीपीयू को क्या करना बिजी रखना ज्यादा से ज्यादा सीपीयू को बिजी रखना है ना मतलब हम चाहते हैं कि भाई सीपीयू आपका खाली ना बैठे मतलब वही होता है आपका सीपी यूटिलाइजेशन की भाई सीपीयू को बिजी रखना ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो सके ठीक है थ्रोपुट क्या होती है थ्रोपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से एग्जामिनर मोस्टली आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है थ्रोपुट

तो वो होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस अराइवल टाइम ठीक है और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है रिस्पॉन्स टाइम वो होता है कि जब हम उसको पहला रिस्पॉन्स देते हैं आफ्टर समीशन ठीक है तो आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या लाएगा क्लियर है अभी क्लियर है अब 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 देखो हमने 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 ये पांच चीज पढ़ी थी अब हमने पढ़ा फर्स्ट 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 कम सर्व देखा देखा रिमेनिंग टाइम राउंड रोबिन देखा और आपका प्रायोरिटी देखा ये ये पांचों चीज पढ़ गए अब इनमें देखते हैं कि किसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एक तो क्वेश्चन जो है आपको एक्जाम्पल में से ऐसे जो है एग्जाम्पल देके पूछ लेगा एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि कॉन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम कहाँ आती है कॉन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम कहाँ आती है तो कॉन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम आती है आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में इफेक्ट की प्रॉब्लम पर आती है फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्व में आती है यहाँ पे आपका क्या होता है लार्जेस्ट बस टाइम होता है क्या होता है लार्जेस्ट बस टाइम होता है ठीक है एच एफ क्या होता है आपका एच एफ आपका मिनिमल एवरेज टाइम देता है मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होता है जिसकी वजह से आपकी थ्रोपुट क्या होती है इंक्रीज होती है तो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जस्ट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से करके भी दिखाया तो शॉर्टेज फर्स्ट में हमें जो है ऑप्टीमल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे हमारी थ्रोपुट क्या होती है इंक्रीज होती है ठीक है इंक्रीज मतलब कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस जो है पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रही है प्रायोरिटी होती है इनडेफिनेट ब्लॉकेज इनडेफिनेट ब्लॉकेज और स्टारवेशन मतलब अगर मैं जो जो आपका एसडीएफ है यहाँ पर हम प्रायोरिटी दे रहे हैं कि छोटी छोटी प्रोसेस को पहले करेंगे ठीक है तो ये क्या होता है स्टार जो आपका एसडीएफ है वो कौन सी प्रॉब्लम को सफर करता है स्टारवेशन स्टारवेशन की प्रॉब्लम को होता है कि भाई बेचारे वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं कब नंबर आएगा कब नंबर आएगा तो मतलब होता है ना कि भाई हम जैसे सपोज मुझे कोई दस दिन खाना ही ना दे मैं मर मर तो नहीं रही लेकिन भाई मैं भूख से मेरी हालत खराब हो रही है मतलब धीरे 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 मरने वाली स्टेट में पहुंच ही गई हूँ मतलब डेडलॉग भी ना हो और मतलब प्रोसेस आपकी बेचारी बहुत लंबा बहुत लंबा वेट के बाद जो है आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है ठीक है और इसका जो सोल्यूशन है जो आपकी स्टारवेशन है इसका सोल्यूशन क्या होता है एजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान से इसको लिख लो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कॉनवे इफेक्ट की प्रॉब्लम आती है जिसमें क्या होता है लार्ज बर्स टाइम होता है ठीक है एस डी एफ आपका ऑप्टिमल मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है जिसकी आपकी आपकी जिससे आपकी जो है वो इंक्रीज होती है प्रायोरिटी आपकी क्या होती है इनडेफिनेट स्टारवेशन भी कहते हैं स्टारवेशन के सोल्यूशन की बात करूं तो वो होता है आपका एजिंग एजिंग में हम क्या करते हैं हर एक प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो है उसका नंबर आ जाए ठीक है और राउंड रोबिन जो है वो डिजाइन किया जाता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए भी ऑब्वियसली टाइम शेयर कर रहे हैं यहाँ पर तो ये आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम है, क्लियर है भाई, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? इसके बाद स्टार्वेशन जो है, वो आपका प्रीमिटिव शेड्यूलिंग में आकर होता है, स्टार्वेशन इन S J F, S R T F, प्रायोरिटी, राउंड रोबिन इज बेटर देन फर्स्ट � ठीक है तो आपका यहाँ स्टारवेशन कहाँ पे होगा एस डी एफ में आई एस आर टी एफ में और प्रायोरिटी में तो यहाँ पे आपका क्या होता है स्टारवेशन अक्सर होता है तीन तीन जगहों पे ये चीज याद रखना राउंड रोबिन जो है वो बेटर है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से क्योंकि राउंड रोबिन में हम हर किसी को इक्वल टाइम दे रहे हैं इन टर्म ऑफ रिस्पॉस टाइम ऑब्वियसली रिस्पॉन्स यहाँ पर जल्दी मिल रहा है हर किसी प्रोसेस को अगर क्वेश्चन बहुत आता है ये और ये आपका यूजीसी नेट और गेट के एग्जाम में भी आया अगर मैं टाइम क्वांटम इंक्रीज कर दूं अगर मैं राउंड रोबिन

क्लियर है किसी भी बच्चे को डाउट है यहां तक तो पूछ लो यहाँ तक तो पूछ लो मतलब ऑलमोस्ट हम मैं आपको एक भी पॉइंट नहीं छुड़वा रही मतलब मैं बेशक शॉर्ट में करवा रही हूँ बेशक बेशक मैं चाह रही हूं कि भाई आपको कम टाइम में ज्यादा मिले लेकिन कम टाइम में हम सब कुछ कवर कर रहे हैं कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने मिस किया हो ठीक है कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस हो गया हो आगे देखो टीएल टीएल uh, so, तो क्या, TLB. TLB, क्या होता है टी एल बी फुल क्या पता आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले क्योंकि इतना ही आपसे पूछेगा ट्रांसलेन लुक असाइड बॉफर क्या होता है वैल्यू स्टोर्ड इन रजिस्टर स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर आर सेव ऑन कॉन्टेक्ट स्विच बिटवीन द प्रोसेस सो एज टू रिज्यूम द एगिक्यूशन ऑफ प्रोसेस देर इज नो नीट टू सेविंग द कंटेंट ऑफ टीएलडेड आफ्टर द आफ्टर इच कॉन्टेक्स्ट स्विच ठीक है क्लियर है भाई तो टीएलबी क्या होता है टीएलबी में जो हम ये सारी प्रोसेस को स्टोर करवाते हैं ये मतलब एल्वी स्टोर करवाते हैं रजिस्टर की स्टेक पॉइंटर की प्रोग्राम काउंटर की इन सबकी ठीक है क्लियर है भाई इसके बाद देखो पेज रिप्लेसमेंट एर गिव द लोएस्ट पेज फॉल्ट

और सी को चाहिए सिक्स ठीक है मैं हमेशा कहती हूं जितने चाहिए उसमें से एक एक कम जितने चाहिए उसमें से एक कम इसको एक कम तो यानी कि कितने बचे दो इसको एक कम तीन इसको एक कम दिया पाँच ठीक है और प्लस वन कर दो तो दो और तीन पांच पांच और पांच दस और ग्यारह बस हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो क्वेश्चन पढ़ो जितनी प्रोसेस है नंबर ऑफ प्रोसेस को डालो जितना उनकी डिमांड दे दी जितनी डिमांड दे दी उसमें हर एक में से एक एक माइनस कर दो भाई यहाँ पे थ्री फोर सिक्स था 3, 4, 6 था तो इसमें से एक माइनस कर दिया दो इसमें से एक माइनस कर दिया तीन इसमें से एक माइनस कर दिया पांच और एक एक ऐड कर दो एक क्या कर दो ऐड कर दो बस वही आपका आंसर आ जाएगा और उतने में आपका कभी भी डेडलॉक अक्कर होगा ही नहीं ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडलॉक अवॉइडनेस जो डेडलॉक अवॉर्डनेस जो है वो आपका जो है कौन सा तो यूज करेंगे बैंकर एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैंकर एल्गोरिथम है वो कहां पर यूज किया जाता है तो डेडलॉक अवॉर्डनेस में हम बैंकर एल्गोरिथम का यूज करते हैं क्लियर है भाई क्लियर है क्लियर है यहां तक इसके बाद देखो इसके बाद देखो भाई

फिर वापस से प्रोसेस कहां चलेगी रेडी में तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो फिर से शुरुआत से शुरू करेंगे नहीं जहां से उसका काम खत्म हो गया, मतलब जहां तक खत्म हो गया उसके आगे तो जो है सीपीयू दोबारा से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो मतलब ये होता है आपका कॉन्टेक्ट स्विचिंग कि कुछ टाइम के लिए प्रोसेस को होल्ड पे रख देना कुछ टाइम के लिए प्रोसेस आपकी चली गई है तो जो आपका नॉन प्रियमटिव है जो आपका नॉन प्रियमटिव शेड्यूलिंग है वहां पर जो है आपका क्या होता है वहां पर आपका ये अक्कर नहीं करता ठीक है क्लियर है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है एग्जिस्ट वैन अनफ टोटल मेमरी स्पेस टू सैटिस्फाई रिक्वेस्ट बट अवेलेबल स्पेस इज नॉट कॉन्टिग्युअस्ट ठीक है भाई क्या होता है कि यहाँ पर देखो कहीं पर आपका फ्री स्पेस होता है कहीं पर यूज स्पेस होता है ठीक है एक सेकेंड देखो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि भाई देखो यहाँ पे आपका जो है फ्री स्पेस है यहाँ पे आपका यूज स्पेस है यहाँ पे, पे, पे फ्री है यहाँ पे यूज है इस तरीके से यहाँ पे फ्री मतलब आपकी जो मेमोरी है वो एक साथ इकट्ठी नहीं होती और एक साथ आपकी यूज वाली नहीं होती तो इस टेक्निक को हम रिमूव करते हैं कॉम्पेक्शन कॉम्पेक्शन आपका क्या करता है फ्री स्पेस को अलग कर देगा और जो आपका यूज वाला स्पेस है उसको अलग कर देगा तो बस यही यहाँ पर पूछा था यही पूछा था कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनफ स्पेस नहीं है मामरी के लिए लेकिन जो उसके पास कहीं कहीं पर नॉन कॉन्टिग्यूस है मतलब कहीं कहीं पर अवेलेबल है तो ये जो टेक्निक है वो हम कॉम्पेक्शन जो है यूज करते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए ठीक है लेकिन ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है यहाँ से जो है सीपीओ आपका खाली बैठा रहता है तो एक हम कह सकते हैं कि अफिशियंट मैथड नहीं है कॉम्पेक्शन भी ठीक है फिर हमने पेजिंग यूज किया था इसके बाद अब देखो इन पेज्ड मामरी

वन माइनस इट रेशो वन माइनस दैट इज वन माइनस जीरो पॉइंट फोर तो क्या जाएगा? आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स और सेकेंडरी मेमरी काम कितना है वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई कर दो तो जो एवरेज इस टाइम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सेवेंटी एट बस लेकिन इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे भाई ठीक है ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में अभी हम डिस्कस करेंगे डोंट वरी ठीक है आगे देखो पर्टिकुलर टाइम ऑफ जो है कंप्यूटेशन वैल्यू ऑफ काउंटिंग सेमाफोर इज टेन काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू क्या है टेन और जो आपका पी है इसमें कितने ऑपरेशन हो रहे हैं ट्वेल्व ट्वेल्व पी ऑपरेशन हो रहे हैं और जो आपका वी वी कितने ऑपरेशन ऑपरेशन हो रहे हैं मतलब एंड ठीक है तो आपको X की वैल्यू निकालनी है कि एक्स जो है वो कितना होगा ठीक है और फाइनल वैल्यू जो सेमाफोर की वो कितनी है सेवन तो फाइनल वैल्यू क्या होती है आपकी सेवन ठीक है और आपके जो है टोटल कितने हैं काउंटिंग सेमाफोर कितना है टेन माइनस ट्वेल्व प्लस में एक्स

तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा तो ये बस याद कर लेना बाकी आपको नहीं करना ठीक है बाकी आपके एग्जाम में जो ज्यादा चांसेस है वो ये है ये क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है ठीक है अगर समझ में नहीं आ रहा अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना ठीक है आगे देखो टू लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग आर यूजिंग फॉर गिविंग सिचुएशंस वेन मेमरी इज टू स्मॉल अगर आपकी मेमरी बहुत छोटी है होल्ड ऑलरेडी प्रोसेस ठीक है इट फेसिलिटेड पुटिंग सम सेट ऑफ प्रोसेस इन टू मेमरी एंड चॉइस इज मेड फ्रॉम देट ठीक है अब देखो स्टारवेशन जो है वो आपकी पॉसिबिलिटी है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में आपके स्टारवेशन आए तो uh, जो है एलोकेशन पॉलिसी बिकॉज प्रीमियटिव एंड ऑलवेज गिविंग स्टारवेशन क्यों आता है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में स्टार्वेशन क्यों आता है क्योंकि यहां पर हम प्रायोरिटी देते हैं कि भाई प्रोसेस को हम क्या करें एग्जीक्यूट करें जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी प्रोसेस होती है, जो बड़ी -बड़ी प्रोसेस है हम उनको इग्नोर कर देते हैं जिनकी वजह से ये वो प्रोसेस जो है वो बिचारी क्या हो जाती है स्टार्वेशन में चली जाती है ठीक है क्लियर है भाई hmm. आगे देखो स्टारवेशन नेवर हैपन इन टू फर्स्ट 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 कम फर्स्ट कम में कभी भी स्टार्वेशन तो नहीं होता क्यों क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम ना छोटा देते ना बड़ा देते हैं। हर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कौन सी प्रॉब्लम आती है कॉनवे इफेक्ट ही कौन सी प्रॉब्लम आती है कॉनवे इफेक्ट क्लियर है भाई आगे देखो वी वी डिड्यूस पेज फॉल्ट यूजिंग सम मैथड अगर मैं पेज फॉल्ट को रिड्यूस करना चाहती हूँ तो मुझे कुछ मैथड यूज करने पड़ेंगे पहला है वी कैन इंक्रीज साइज ऑफ मेन मेमरी मेन मेमरी के साइज को बढ़ा दो ऑब्वियसली मेन मेमरी के साइज को बढ़ा देंगे तो ज्यादा पेजेस को लेकर आ पाएंगे सेकेंडरी मेमरी से तो भाई पेज फॉल्ट आपके कम हो जाएंगे डिक्रीजिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री ऑफ मटीप्रोग्रामिंग क्या कर दो डिक्रीज कर दो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज अपलीकेबल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं कैश कैशे कैसे आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस यूज करता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉसिबल टू इंक्रीज पेज साइज पेज का साइज क्या कर दो इंक्रीज कर दो ठीक है कॉम्पेक्शन क्या कहता है कॉम्पेक्शन जो है वो कंबाइन करता है एमपीडी स्पेस एंड जो आपका जो बिज जो आपकी जो फ्री स्पेस है जो आपका जो आपका, आपका, आपका यूज स्पेस है उन सबको क्या कर देगा मतलब फ्री वाले को एक साथ कर देगा और यूज वाले को एक साथ कर देगा ठीक है कॉम्पेक्शन जो है वो हेल्प करता है सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बट इट रिक्वायर टू मच ऑफ सीपी यू टाइम लेकिन सीपीओ को ज़्यादा टाइम लग जाता है मतलब सी पी यू यहाँ पर हमारा खाली बैठ जाता है और हम चाहते हैं सी पी आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे इसलिए जो है जो आपका कॉम्पेक्शन वो इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है तो ये कुछ, थे आपके, ये कुछ थे, से related, अब हम बात करते हैं डिस्क वाला क्योंकि प्रैक्टिकल अगर हम जो है सोल्व करने वाले देखें आपका जो हमने एल्गोरिथम हम देखे फर्स्ट कम फर्स्ट और राउंड रोबिन एसडीएफ वहां से क्वेश्चन आता है यहां से क्वेश्चन आता है ठीक है तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्वेश्चन रीड करो डिस्क है आपके पास टेन ट्वेंटी टू ट्वेंटी

हमारा बोल रहा है कि हमारा ऑर्डर क्या है हमारा ऑर्डर है आ, हमारा ऑर्डर है दस ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू फोर्टी सिक्स और थर्टी एट ठीक है और बोल रहा है कि मेरा जो अभी सिलेंडर है वो कहाँ पर है ट्वेंटी पे मेरा जो सिलेंडर है वो कहाँ पर है ट्वेंटी पे ठीक है तो जो है और अब जो है आपका जो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सौ निकालना है फर्स्ट कम फर्स्ट सौ कैसे निकालोगे अब देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सब कैसे सेकेंड तो मैं ट्वेंटी को आगे लिख लेती हूँ लिख लेती हूँ ट्वेंटी पे ट्वेंटी 20 20 से कहाँ जाऊंगी टेन पे क्योंकि मैं कहान पे, पे ठीक है तो टाइम कितना लगा टेन टेन से ट्वेंटी टू पे गई कितना लगा बारह ट्वेंटी टू से टू पे गई कितना लगा बीस ट्वेंटी जो टू से फोर्टी पे गए थर्टी एट फोर्टी से सिक्स पे गए थर्टी फोर और सिक्स से जो है थर्टी एट पे गए कितना थर्टी टू एड कर लो कितना देंगे कितना हो गया चौदह और वन जीरो फोर ठीक है फिर ट्वेंटी और बारह कितना हो गया थर्टी टू और टेन फोर्टी टू वन वन फोर्टी सिक्स आ गया तो 146 आ गया ठीक है फर्स्ट कम फर्स्ट सब आपका क्या कह रहा है 146 आ गया अब ये 146 आ गया तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक ट्रैक हर एक ट्रैक को कवर करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है 6 मिली मिलीसेकंड लग रहा है तो 146 146 को ट्रैक कर, को करने में कितना टाइम लगेगा 146 6 तो कितना आ जाएगा 876 ठीक है अब आप सोचोगे कि मैडम हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई हम इसको जो है पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया उसके बाद यहाँ बीस बीस आ जाएगा बीस के बाद स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ ऐसे 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 मतलब जैसे जो बोल रहा है वैसे जाएंगे ठीक है देखो वो आप जो है जो शॉर्ट जो फर्स्ट है वहाँ पे कर सकते हो लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट और सीधा क्या कहता है कि भाई जो पहले आएगा उसको मैं पहले दूंगा तो इसने बोला कि अभी मेरा जो 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 हेड की मूवमेंट है वो कहाँ पे है बीस में है ठीक है बीस के बाद मुझे जाना ऐसे ही है मुझे फर्स्ट कम फर्स्ट सॉप में जाना ऐसे ही है मैं पहले सबसे छोटे वाले के पास जाऊंगी तो सब भाई सॉरी सबसे छोटे वाले पे नहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सॉप क्या कहता है कि जो पहले आया था मैं उसके पास पहले जाऊंगा तो भाई पहले टेन आया फिर बाइस आया फिर दो आया फिर चालीस फिर छह फिर थर्टी एट तो भाई जैसे है वैसे ही तो जाएंगे तो इसलिए डायरेक्ट लिखो और हेड को क्या कर दो आगे लिख दो और फिर ऐसे करके करके जो है फटाफट सॉल्व कर दो क्योंकि वैसे करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा आप टाइम को बचा सकते हो ठीक है क्लियर है तो क्लियर है भाई 146 आया सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और ये यह, अब यहाँ पे समझ लो ट्रैक क्या होता है ट्रैक क्या होता है क्योंकि ट्रैक और जो आपका लेटेंसी टाइम है सीख टाइम है सॉरी uh, हाँ सीख टाइम और लेटेंसी टाइम ये एग्जामिनर को बहुत ज्यादा ही प्यार है इनसे पूछ लेता है सीख टाइम क्या है लेटेंसी टाइम क्या है देखो ये आपकी डिस्क है इस तरीके से ये आपके मैंने क्या बना दिया ट्रैक बना दी ये मैंने पूरा क्या है ट्रैक है और जब मैं इन ट्रैक को इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से डिवाइड कर दूंगी इस तरीके से डिवाइड कर तो ये आपके क्या बन जाएंगे सेक्टर तो देखो ये वाला ये वाला पूरा पोर्शन ये वाला पूरा पोर्शन यहां से यहां तक ये यह क्या बन गया आपका सेक्टर और यहां, से यहां तक ये यह पूरा क्या है आपका ट्रैक अब क्वेश्चन बोले कि हेड जो है वो कहां पे मूव कर रहा है ट्रैक के पास तो वो होगा आपका सीक टाइम अगर बोले हेड जो है वो आपका कहां जा रहा है सेक्टर में तो वो वो होगा आपका लेटेंसी टाइम बस ये चीज याद रखना हेड अगर सेक्टर के पास जा रहा है तो लेटेंसी टाइम जो है, है ट्रैक के पास जा रहा है तो वो आपका क्या है हेड अगर ट्रैक के पास जा रहा है तो सीख टाइम है बस इससे ज्यादा कुछ कहानी याद नहीं रखनी कुछ भी याद नहीं रखना भाई इतना हो गया ये सब हो गया आगे चलो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कंट्रोल बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ लॉन्ग टर्म शेड्यूल टर्म शेड्यूलर और आपका मीडियम टर्म शेड्यूल सबका काम बता चुकी हूँ राउंड रोबिन करता है डिस्क अगेन क्वेश्चन आ गया है की फाइव ट्वेंटी है इस तरीके से और एस एस जे एफ यानी शॉर्टेज टाइम फर्स्ट निकालना है और जो है लास्ट ऑफ दिस रिक्वेस्ट इज मेड दैट उ ठीक है क्या होगा तो भाई आपका वही है कि आप जो है इसको लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो और ट्वेंटी से जो आप स्टार्ट करो मिनिमम कौन सा है और फिर जो है आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा निकाल के करवाऊ क्या तो देख लेते हैं कर लेते हैं भाई कहीं आपको फिर कंफ्यूजन आ जाए पांच पच्चीस अठारह थ्री थर्टी नाइन एट थर्टी फाइव यही है एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है और अभी हेड आपका कहां पे है ट्वेंटी पे तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो भाई अब मैं इसको लिख लेती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है आपका थ्री फिर क्या है फाइव थ्री फाइव के बाद क्या है एट एट के बाद क्या है भाई एटीन एटीन के बाद क्या है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के बाद थर्टी फाइव और फिर थर्टी नाइन ठीक है अभी और हेड आपका कहाँ पे है यहाँ पे कहीं बीस में यहाँ पे बीच 20, 20 पे है ठीक है अब देखो बीस से मैं जाऊंगी अठारह के पास जाऊंगी क्योंकि भाई शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है तो ऑब्वियसली मैं छोटा देखूंगी बड़े के पास तो जाने से रही ठीक है तो मैं छोटा देखूंगी तो छो, छोटा देखेंगे एक सेकेंड तो मैं बीस से कहाँ गई अठारह पे टाइम कितना लगा दो ठीक है अब देखो अगर मैं अब अब मैं अठारह पे हूँ अठारह से पच्चीस पे जाऊंगी तो सात मिनट लगेंगे और अठारह से आठ पे जाऊंगी तो दस मिनट लगेंगे तो ऑब्वियसली पच्चीस पे चली जाती हूँ ठीक है तो कितना लगा सात अब यहां से यहां जाऊंगी तो दस और यहां से यहां जाऊंगे तो टाइम लगेगा तो यहां पे चले गए दस यहां से यहां गए तो चार यहां से यहां गए तो थर्टी वन यहां से यहां गए तो थ्री और यहां से यहाँ गए तो टू ऐड कर दो कितना हो गया सात और दो नौ नौ और दस उन्नीस उन्नीस और चार ट्वेंटी नाइन सॉरी उन्नीस और चार ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री और थर्टी वन दैट इज फोर और फाइव फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर और फाइव ठीक है कितना कितना हो 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 गया sorry, 59 हो गया गया सॉरी अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लो आगे पूरा पढ़ो क्वेश्चन बोल रहा है कि आ, सीक टाइम टेक फाइव मिली सेकंड पर सिलेंडर मूव हर एक सिलेंडर को मूव करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है जो है 5 millisecond. तो फिफ्टी नाइन को कितना लगेगा फिफ्टी नाइन इंटू फाइव फाइव तो नाइन जा फोर्टी फाइव दैट इज फाइव फोर और फाइव फाइव जा फोर्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू नाइन फाइव आंसर हो जाएगा टू नाइन फाइव ठीक है क्लियर है भाई ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इससे ज्यादा आपसे नहीं आएगा इससे ज्यादा नहीं आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट आओ इसी तरीके से और इस क्वेश्चन आ जाएगा फिर आपका देयर इज डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस इज टू एन माइनस वन तो अगर आप नंबर ऑफ चाइल्ड आपको ढूंढने आ जाए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए टू एन माइनस वन ठीक है ऑलरेडी वन यस दैट गिव द इट विल प्रिंट फोर ठीक है तो इस तरीके से जो है एलगोरिथम में नहीं आएगा आप सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेगा तो टू एन माइनस वन याद रखना आगे देखो सिस्टम यूजिंग नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेड रन टाइम इज फाइव एटीन नाइन और ट्वेल्व आर इन रेडी क्यू ये रेडी क्यू में है इन वॉट ऑर्डर दे आर रन टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम तो मिनिमाइज वेटिंग टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का यूज करेंगे भाई जो सबसे छोटा है हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे पहले फाइव को करेंगे फिर नाइन को करेंगे फिर ट्वेल्व को करेंगे और फिर एटीन को करेंगे ऐसे ही करेंगे अगर मैं पहले माइन फाइव को करूंगी फिर नाइन को करूंगी फिर अठारह को सॉरी फिर बारह को करूंगी फिर अठारह को इस तरीके से करूंगी तो आपको जो है जो आपका वेटिंग टाइम है वो कम होगा ठीक है क्लियर है भाई हाँ जी ये क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ था ये क्वेश्चन आपका स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ था ठीक है तो ये ये थोड़ा फॉर्मूला याद रख लेना यहाँ से कंसीडर कंसीडर अ अ सिस्टम सिस्टम विद टू लेवल कैश आपके पास क्या है दो लेवल कैश है और टाइम ऑफ लेवल लेवल कैश है लेवल टू और मेन मैमरी ठीक है तो जो है लेवल वन का है टेन नैनो सेकंड और जो आपका मेन मेमरी का टाइम है वो है फाइव हंड्रेड नाइनो सेकंड हिट रेशो अगर मैं बात करूँ तो लेवल वन का जो है जीरो पॉइंट एट लेवल वन का है जीरो पॉइंट नाइन और लेवल टू का है मतलब यानी कि जो आपका हाँ जो जो सेकेंडरी मैमरी है वहां पर नहीं होगा वहां पर ऑलवेज वन रहेगा इज़ द द एवरेज टाइम टाइम टू टू सिस्टम इन गोइंग सर्च तो देखो ये आपका लेवल वन कैसे है ये आपका जो है लेवल टू है ये आपकी मेन मेमोरी है ठीक है लेवल वन का जो आपका हिट रेशो है सॉरी हाँ

वन के लिए लेवल वन के लिए मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी ठीक है लेवल टू के लिए मैं क्या करूंगी लेवल टू के लिए इसका मिस जो लेवल वन का जो मिस हुआ तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट एट वन माइनस जीरो पॉइंट टू ठीक है और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे जो हिट और एस एस टाइम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो पॉइंट नाइन और टेन की मैंने मल्टीप्लाई कर दी ठीक है सेकंड में क्या होगा सेकंड जो मेन मेमोरी उसमें क्या होगा कि भाई जो आपका मिस हुआ जो आपका लेवल वन में मिस हुआ वो जो आपका लेवल टू में मिस हुआ वो और जो आपका यहाँ पे यहाँ पे और मैंने कहा था लास्ट वाले का हमेशा क्या होता है वन होता है हिट तो फाइव हंड्रेड इंटू वन ठीक है तो देखो इस तरीके से लिख लेना और मल्टीप्लाई कर देना बस और ये जो है मिस वाले की मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से करोगे तो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है भाई क्लियर है क्वेश्चन समझ में ना आया तो फिर से पूछ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हाँ जी आगे देखो नॉन प्रेमटिव शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कॉन्टेक्ट स्विचिंग विल नेवर टेक प्लेस हाँ जी ये तो हम कर चुके हैं यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आएगा भाई ठीक है और ये हम कॉम्पेक्शन पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन कर चुके हैं ये भी हम कर चुके हैं ठीक है सब हो चुका है आगे देखो ये भी हो गया भाई ये भी हम सब ने कर लिया ये भी कर लिया ठीक है इसके बाद देखो ये भी हो गया हाँ जी लास्ट क्वेश्चन देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेज रिप्लेसमेंट जो पेज फॉल्ट है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो भाई सारे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लास्ट है ये आपका एक तरीके से इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको देखेंगे कि भाई कैसे कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है

तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में हम फ्यूचर में देखते हैं कि फ्यूचर में कौन सा पेज कम यूज होने वाला है ठीक है तो आपको दे रखा है टू थ्री फोर फाइव वन टू सिक्स ठीक है और टोटल पेज फ्रेम का साइज क्या है फोर पेज फ्रेम का साइज क्या है भाई फोर है तो देखो बना लो ये फोर साइज हो गया वन टू थ्री फोर ठीक है सबसे पहले टू आया थ्री आया फोर आया फाइव आ गया टोटल पेज टोटल पेज फॉल्ट क्या हो गए पेज फॉल्ट कितने हो गए चार ठीक है फिर आया वन फिर आया वन फिर हम देखेंगे फ्यूचर में कौन सा पेज कम यूज होने वाला है टू यूज होगा टू यूज होगा ठीक है एक सेकेंड मैंने कल कुछ गलत नोट किया जी इनके बीच में कोमा आएगा ना वन थ्री और फोर सिक्स मुझे लगा ये थर्टीन और फोर्टी सिक्स के देखो. आ गए ठीक है देखो देखो हम अब हम देखें अब हम ये देखेंगे किसको रिप्लेस करें तो फ्यूचर में देखेंगे कौन आ, बाद में यूज होगा तो टू यूज होगा तो टू को रिप्लेस नहीं करेंगे आ, थ्री यूज होगा थ्री को भी नहीं करेंगे फोर होगा फोर को भी नहीं करेंगे यानी कि फाइव नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी फाइव को रिप्लेस कर दूंगी किससे वन से फाइव को मैंने किससे रिप्लेस किया वन से ठीक है तो पेज फॉल्ट कितने हो गए पेज फॉल्ट हो गए पांच ठीक है फिर आया आपका सिक्स फिर सिक्स आया तो फिर हम देखेंगे कि भाई सिक्स तो तो को टू को हटा देंगे और सिक्स को डाल देंगे तो यानी कि पेज फॉल्ट कितने हो गए पेज फॉल्ट कितने हो गए भाई पेज फॉल्ट हो गए सिक्स ठीक है फिर देखो फिर आपका वन भी है हिट कर गया थ्री भी है हिट कर गया फोर भी है हिट कर गया सिक्स भी हिट कर गया तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए छे. बस और कुछ नहीं करना अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में क्या होता है लिस्ट में हम पीछे देखते हैं कि भाई लास्ट में कौन सा जो है कौन सबसे बाद में सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था हम उसको हटा देंगे ठीक है इस तरीके से होता है और फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या करेंगे ये जो पहले पेज जो पहले आया था उसको पहले, पहले हटा देंगे बस ये कहानी रहती है बाकी और कुछ नहीं होता फर्स्ट 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 कम फर्स्ट में कौन सी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट कम फर्स्ट में ब्लड या की प्रॉब्लम आती है ठीक है अगर नंबर ऑफ पेज फ्रेम का साइज कर दे तो वो भी आपके पेज फॉल्ट भी बढ़ जाते हैं ठीक है तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे छह टोटल कितने हो जाएंगे छह ठीक है क्लियर क्लियर है है भाई अब हम अब हम करते हैं अब हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई ताकि आपको समझ में आए कि जो जो हमने जो जो हमने किया है जो जो हमने किया है आपको कितना आया मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा क्या वो आपके काम का था क्या वो आपके काम का था वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे

आंसर क्या होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है अब मुझे नहीं लग रहा कि पढ़ाने की जरूरत है अभी मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी पढ़ाने की जरूरत है ठीक है इसके बाद देखो इन इंटरवल द इंटरवल द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म डैश उसको क्या कहेंगे द इंटरवल ऑफ द टाइम ऑफ सबमिशन मतलब प्रोसेस का जो टाइम है ठीक है तो क्या बोल रहा है इंटरवल

मैमरी कैन बी शेयर मतलब जो मेमरी है वो कहां पर शेयर होगी मेमरी कहामरी कहा शेयर होगी आपकी प्रोसेस कहां पर शेयर होगी प्रोसेस के बीच में ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एर विल भी हैंडल बाई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कौन कौन सी एरर हैंडल की जाती है देखो अगर आपकी पावर चली जाए मतलब आपका जो है एकदम लाइट चली जाए तो भाई आपका तो वो वाली जो आ, एरर होती है वो आपका कौन हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर अगर प्रिंटर में पेपर खत्म है तो आपको फटाक से कमांड दिख जाएगी कि पेपर खत्म हो गए हैं ठीक है थीके? तो ये भी कौन हैंडल करता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्शन फेलियर इन द नेट अगर नेटवर्क का कनेक्शन फेल हो जाए तो भी कौन हैंडल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ तो आंसर होगा डी ऑप्शन ठीक है इसके बाद देखो विच वन इज ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर का मतलब ये होता है कि भाई ट्रांसलेट करना है ना ट्रांसलेट करना तो यानी कि जैसे आपका आ, जो कंपाइलर है कंपाइलर क्या करता है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में है ना हाई लेवल लैंग्वेज कह लो या फिर आ, सोर्स प्रोग्राम कह लो कहो क्या कहो सोर्स प्रोग्राम क्वेश्चन आ जाए सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कौन कन्वर्ट करवाता है कंपाइलर ठीक है तो आ, मतलब ये क्या होता है ट्रांसलेटर का काम मतलब ट्रांसलेटर क्या करता है जैसे हिंदी हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज कर दिया इंग्लिश को हिंदी में चेंज कर दिया ये कौन करते हैं ट्रांसलेटर करते हैं ठीक है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन लिंक क्या करता है ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करवाता है लोडर क्या करता है जो भी आपकी जो फाइल्स होती हैं लाइक like, जो आपकी डायरेक्टरीज वगैरह होती हैं उनको लोड करवाने का काम करवाता है ठीक है इसके बाद है, है है। है, 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 इसमें से कौन सा जो है आपका operating system का function नहीं हमने थे, memory management है, disk है, file है, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन नहीं होता तो ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है H2 2016 में पहुंच चुके हैं भाई देखो, कंप्यूटर टर्न ऑन अगर आपका कंप्यूटर अगर आप ऑन करते हो स्पेशल टाइम ऑफ एब्सोल्यूट लोडर कॉल्ड एग्जीक्यूटेड तो भाई ऑटोमेटिक मतलब कौन सा लोडर एग्जीक्यूट होता है तो बुस्टेप लोडर जो है एग्जीक्यूट होता है और ये कहाँ पे स्टोर होता है ये आपका रोम में स्टोर होता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है ठीक है कहाँ पे स्टोर होता है ये रोम में ये चीज भी याद रख लेना देखो विच फाइल कीप कमांड टू एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली मतलब कौन सी कमांड ऐसी है जो ऑटोमेटिकली जो है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो होती है आपकी ऑटो एक्स डॉट बी ए टी कौन सी होती है auto dot, auto x क्लियर है भाई आगे देखो मैच करना है आपको 2017 आ गया है अब थोड़ा लेवल जो है वो अब अप हो जाएगा गैंग गे, शेड्यूलिंग रेट मॉनिटरिंग शेड्यूलिंग या फेयर शेयर शेड्यूलिंग तो ये कौन से होते हैं आपके पीका हो जाएगा। जो गैंग शेड्यूलिंग होती है वो आपकी थ्रेड शेड्यूलिंग में आती है ठीक है रेट मॉनिटरिंग दैट इज रियल टाइम शेड्यूलिंग और फेयर शेयर शेड्यूलिंग दैट इज गारंटेड मतलब फेयर शेयर मतलब फेयर है मतलब सब कुछ फेयर है यानी कि गारंटेड गारंटेड आपको प्रोवाइड कर रही है ठीक है मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लुकाचुप में हो रहा हो उसके बाद है डैश इज डेज फिन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच समाइम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेजेस अगर मैं नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज कर दू तो आपके जो पेज फॉल्ट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं मतलब फ्रेम का साइज अगर मैं बढ़ा दूं तो आपके पेज फॉल्ट भी बढ़ जाते हैं ठीक है तो इस टाइप की जो पॉलिसी इस टाइप के जो फिनोमिना होता है वो कौन सी पॉलिसी में आता है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है ये जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर पेज फॉल्ट को अगर मैं पेज फ्रेम को बढ़ा दू तो पेज फॉल्ट भी बढ़ जाते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम होती है ब्लडीज एंड नॉर्मली की प्रॉब्लम होती है ब्लड इज एनली की प्रॉब्लम होती है कहाँ कर होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होती है कहाँ होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ठीक है तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और ये सारी चीजें हमने कवर किए तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक है आगे देखो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैग्नेटिक डिस्क द टाइम टेकन मूव द दीड जो आपका सीक uh, तो टाइम और बोले अगर ट्रैक जो है अगर आपका जो एंड टेकन डिजायर सेक्टर ठीक है सेक्टर की तरफ मूव करे तो आपका क्या होगा लेटेंसी टाइम या फिर रोटेशनल टाइम भी कहते हैं ठीक है तो सीक टाइम टाइम और लेटेंसी क्लियर है भाई सारी चीजें की हैं सारी चीजें की और सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो मतलब मैंने एक भी पॉइंट आपका नहीं छोड़ा है बेशक एक डेढ़ घंटे में ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया है लेकिन एक भी पॉइंट एक भी कहीं से भी मिस नहीं किया अगर आपने अच्छे से पूरी क्लास बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईमानदारी से, से करी कर, करोगे तो पांच नंबर आपके कहीं भी नहीं गए तो बोला ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम फर्स्ट यानी कि एस है आपके पास

फिर जैसे ही ये पंद्रह तक एग्जीक्यूट हुआ इसका टाइम क्या बचा पांच और फिर पंद्रह पे आपके कौन आ गई पी आ गई और इसका बस टाइम क्या है पच्चीस तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली पी को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि इसका छोटा है तो भाई बीस फिर देखो जैसे ही बीस पे आया तो कोई भी प्रोसेस नहीं आई तो हम पी को एग्जीक्यूट करेंगे पी टू एग्जीक्यूट करेंगे कब तक तीस तक तीस पे आपकी एक और प्रोसेस आ गई है दैट इज पी और इसका इसका जो बस टाइम है वो कितना बचा है पंद्रह सेकेंड मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूँ यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी सी हो गई यहाँ पे बना देती हूँ मैं तो सबसे पहले हमने पी वन को एग्जीक्यूट किया पंद्रह तक फिर मैंने वापस P1 को एग्जीक्यूट किया बीस तक ठीक है फिर जो है प, बीस तक जो है कोई भी नहीं आया तो मैं वापस से किसको एग्जीक्यूट करूंगी पी टू को एग्जीक्यूट करूंगी कब तक तीस तक तीस तक मैंने एग्जीक्यूट किया यानी कि दस दस मिनट टाइम एग्जीक्यूट किया तो इसका टाइम कितना बच गया पंद्रह टाइम कितना बचा दस माइनस कर दू तो कितना बचा पंद्रह और इसका कितना है दस तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या कहता है कि भाई जो थोटी प्रोसेस होगी मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने यहां पर पी थ्री को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया पी थ्री को एग्जीक्यूट किया कब तक फोर्टी तक तो इसका वेटिंग टाइम इसका, इसका वेटिंग टाइम क्या है

तो मतलब पंद्रह से बीस तो पांच मिनट यहाँ पे ये वेट किया इसने ठीक है उसके बाद देखो उसके बाद देखो इसने दस टाइम एग्जीक्यूट किया फिर देखो इसको तीस से जो है तीस से चालीस तक जब पी थ्री एग्जीक्यूट हुई तो इसको जो है दस, दस, दस और एक, दस, आ, दस और वेट करना पड़ा फिर जो है इसने कंटिन्यू एग्जीक्यूट कर लिया इससे किसी ने भी सीपीयू नहीं लिया तो टोटल तो वेटिंग कितनी हुई पांच और दस टोटल वेटिंग कितनी हो गई पंद्रह तो आंसर क्या हो तो जाएगा यहाँ पे आंसर देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक है इसके बाद देखो कंसीडर था वर्चुअल पेज रिप्लेसमेंट आपके पास स्ट्रिंग दे दी है और आपको जो है LRU और फीफो निकालना है ठीक है और आपसे आपको बोला है थ्री पेज फ्रेम यहां पर है तो निकाल लो भाई आपको दे दिया वन टू थ्री टू फोर वन थ्री टू फोर वन एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ठीक है और आपको पेज फ्रेम कितना है आपको निकालना है फीफो और एल आर यही करना है यही करना है ठीक है देखो फीफो क्या कहता है जो पहले आएगा पहले यानी कि वन आया टू आया थ्री आया फिर मैं किसको रिप्लेस कर दूं फिर टू आएगा तो टू हिट कर गया पेज फोल्ड कितने में थ्री तो पेज जो टू आया वो हिट कर गया फिर फोर आया फोर आया तो मैं कहलेगी इसको हटा दूंगी वन को तो मैंने वन को हटा के फोर डाल दिया तो पेज फोल्ड कितने हो गए तीन की जगह चार हो गए ठीक है फिर जो है फोर आया फिर आपका क्या आया वन आया फिर क्या आया वन आया हाँ जी तो पेज फोल्ड कितने हो गए चार तो पेज टू तो हिट कर गया मेमोरी में मिल गया तो इसको हम क्या करेंगे हिट कर गया ठीक है फिर आया आपका फोर ये भी आपका क्या कर गया हिट कर गया ठीक है फिर आया आपका वन वन नहीं है तो हम किसको हटा देंगे टू को ठीक है तो यहाँ पे वन आ गया तो पेज फॉल्ट कितने हो गए फाइव ठीक है फिर आया आपका थ्री थ्री आया तो हिट पेज हिट कर गया ठीक है पेज हिट कर गया ठीक है फिर आया आपका टू टू आया तो क्या करेंगे किसको हटाएंगे टू आएगा तो किसको हटाएंगे भाई वन को हटा देंगे ठीक है वन को हटा देंगे, देंगे तो ठीक है फिर फोर और वन सॉरी एक सेकंड भी मैंने यहाँ पे गलती कर दी हम थ्री को हटाएंगे वन टू हटा दे था अब हम थ्री को हटाएंगे ठीक है टू आएगा तो हम किसको हटाएंगे थ्री को थ्री को हटाया पेज फॉल्ड कितने हो गए छे ठीक है पेज फॉल्ड कितने हो गए छे अब उसके बाद क्या आया वन और फोर वन भी आपका क्या है मेमोरी में दैट इज पेज हिट कर गया ठीक है फोर भी आपका क्या है मेमोरी में तो पेज आपका क्या कर गया हिट कर गया ठीक है तो टोटल जो है फीफो के अंदर पेज फॉल्ड कितने हुए गए छे एल आर यू की बात करें एल आर यू की बात करें एल आर यू का देखो क्या है कलर चेंज कर लेते हैं देखो सबसे पहले वन टू थ्री क्योंकि थ्री पेज फ्रेम है तो यहाँ पे पेज फॉल्ट कितने हो गए थ्री ठीक है तो सबसे पहले उस पेज को हटाएंगे जो रिसेंटली सबसे पहले मतलब जो uh, सबसे लिस्ट यूज हुआ है तो कौन सा भी तीनों सेम यूज हुए हैं तो मैंने वन को हटा दिया ठीक है मैंने क्या डाल दिया टू सॉरी टू तो आपका पेज हिट कर गया कुछ नहीं हटाएंगे फिर आया आपका फोर फोर आया तो वन को हटा देंगे फोर डाल दिया ठीक है पेज फॉल्ट कितने हो गए चार फिर आया वन फिर आया वन फिर देखेंगे लिस्ट में कौन सा यूज हुआ है लिस्ट में आपका कौन सा यूज हुआ है थ्री लिस्ट में कौन सा यूज हुआ है थ्री तो मैं किसको हटा दूंगी थ्री को थ्री को मैंने हटा दिया और क्या डाल दिया वन डाल दिया थ्री को हटा के मैंने क्या डाल दिया वन पेज फॉल्ट कितने हो गए पांच फिर आया आपका वन फिर कौन आया आपका वन वन जैसे ही आया तो लिस्ट में कौन सा यूज हुआ है तो देखो फोर यहाँ पे यूज हुआ है वन एक सेकेंड भी एक सेकेंड मैं फिर से फिर से करवाती हूँ फिर से करवाती हूँ मैं खुद कंफ्यूज हो गई क्या हो रहा है ठीक है फिर से करते हैं इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए वन टू थ्री टू फोर वन थ्री टू फोर वन यही है ठीक है तो हम एक बार यहाँ से हटा दें ये थोड़ी खिचड़ी से पक गया इसलिए कन्फ्यूजन सी हो रही थी ओके वन टू थ्री ये तीन हो गए ये पेज फोल्ड कितने हो गए three. Two आया तो पेज क्या कर गया मेमोरी में हिट कर गया क्या कर गया हिट कर गया ठीक है फिर आया फोर फोर आया तो हम लिस्ट में कौन सा यूज हुआ देखो टू यहाँ पे यूज हुआ थ्री यहाँ पे हुआ है तो लिस्ट में सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था वन तो मैंने वन को हटा के फोर डाल दिया ठीक है वन को हटा के फोर डाल दिया पेज फोल्ड कितने हो गए चार फिर आया आपका वन जैसे ही वन आएगा तो हम किसको हटाएंगे वन हटाएगा वन आएगा तो हम किसको हटाएंगे कलर चेंज कर देते देखो फोर रिस यूज हुआ है है यूज हुआ लेकिन सबसे पहले कौन यूज हुआ था सबसे पहले कौन यूज हुआ थ्री तो मैं थ्री को हटा के क्या डाल दिया वन डाल दिया तो पेज फॉल्ट कितने हो गए पांच फिर आ गया थ्री थ्री आया तो लिस्ट में कौन सा यूज हुआ है वन फोर तो वन यूज हुआ है फोर यूज हुआ है सबसे पहले कौन यूज हुआ था टू तो मैंने टू को हटा के थ्री डाल दिया ठीक है अब आपके मेमोरी में क्या बचा है four, three, और ठीक है पेज कितने हो गए छे। फिर आया आपका हाँ टू जैसे ही टू आया अब किसको हटाओगे थ्री वन थ्री और वन लिस्ट में सबसे पहले कौन सा यूज हुआ है फोर सबसे पहले देखो वन और थ्री बाद में यूज हुआ है सबसे पहले कौन सा यूज हुआ है फोर तो मैं फोर जो है फोर को हटा के क्या डाल दूंगी टू पेज फोल्ड कितने हो गए सात समझ में आया समझ में आया अभी उसके बाद देखो उसके बाद कौन आया फोर फोर आया तो हम किसको हटाएंगे किसको हटाएंगे तो टू थ्री टू और थ्री लिस्ट सबसे पहले कौन यूज हुआ वन तो मैंने इसको हटा के क्या डाल दिया फोर डाल दिया पेज फोल्ड कितने हो गए आठ फिर आया वन तो वन किस किसको हटाएंगे टू और फोर लिस्ट में यूज हुआ है थ्री में जो है थ्री इनसे पहले यूज हुआ है तो हम थ्री को हटा के वन डाल दिया तो पेज फोल्ड कितने हो गए नाइन अगर मैं लिस्ट रिसेंटली यूज करती हूँ तो पेज फॉल्ट होंगे नाइन और फीफो यूज किया तो पेज फॉल्ट हुए छः समझ में आ गई समझ में आया भाई समझ में आया अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर ठीक है तो देखो यहाँ पे बोल रहा था पहले LRU है पहले LRU तो एल में पेज फॉल्ट कितने हुए हैं नाइन फीफो में कितने हुए छे तो नौ और छह जहां पर भी हो वही आपका आंसर होगा ठीक है

P1, P2, P3 तीन प्रोसेस हैं और जो आपका अराइवल टाइम है वो क्या है जीरो टू और फोर ये आपका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम आपका क्या है एट फाइव और फोर ठीक है और टाइम क्वांटम क्या है थ्री फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा पहले पी वन होगा पी टू होगा फिर पी थ्री होगा ऐसे ही होगा ना पहले पी वन पी टू पी थ्री क्योंकि भाई जिस सीक्वेंस से आएंगे उसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहता ही है अब देख लो ऑप्शन में हाँ जी देखो फर्स्ट ऑफ पी थ्री पी टू नहीं भी पहले पी वन फिर पी टू फिर थ्री ये गलत हो जाएगा पी वन पी टू पी थ्री सही है ये भी सही है ये भी गलत है यानी कि दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए अब हम देखेंगे राउंड रोबिन को अब हम किसको देखेंगे राउंड रोबिन को अब देखो कैसे देखेंगे राउंड रोबिन को हर एक को तीन तीन यूनिट टाइम दे रहा है तो सबसे पहले P1 वन आएगा थ्री टाइम एग्जीक्यूट होगा ठीक है इसका इसका भी बना लो साथ साथ के ये है ठीक है पी वन आया जो थ्री टाइम एग्जीक्यूट हुआ टाइम बचा फाइव ठीक है फिर पी टू आया थ्री यूनिट एग्जीक्यूट हुआ टाइम बचा टू ठीक है अब देखो P1 जब एग्जीक्यूट हुआ तो थ्री पे वापस चला गया रेडी क्यू में लेकिन उसके बाद जो है P4 आया फोर पे P4 कब आया फोर पे तो वापस से कौन एग्जीक्यूट होगा वापस से कौन एग्जीक्यूट होगा आपका वापस से एग्जीक्यूट होगा P1 कितने टाइम थ्री टाइम दैट इज टू बच गए यहाँ पे ठीक है तो नाइन फिर फिर कौन एग्जीक्यूट होगा फिर कौन एग्जीक्यूट होगा आपका पी थ्री एग्जीक्यूट होगा पी थ्री आपका एग्जीक्यूट हो गया ठीक है थ्री टाइम आपका ये एग्जीक्यूट हो गया वन बच गया ठीक है

पी टू चला गया वापस यहाँ पे ठीक है तो इस तब तक आपका जो है ये ये दोनों आ चुके थे तो पहले हम करेंगे पी वन को पहले मैंने पी वन को किया फिर मैंने पीथरी को किया फिर मैंने पी टू को किया ठीक है अब देखो पी वन को मैंने पहले किया तो पी वन आपका वापस से यहाँ पे चला गया ठीक है फिर आपका पीथरी आया है और फिर जो है उसके बाद जो है आपका पी टू आएगा तो पी टू तो आपका एग्जीक्यूट ही हो गया है अब देखो अब पहले कौन है पहले कौन है पी वन तो फिर वापस से होगा पी वन तो थ्री टाइम दैट इज पी वन और फिर जो है आपका पी टू पी पी होगा लास्ट में आपका पी थ्री होगा ठीक है तो देखो पी टू बी और सी ऑप्शन थे बी और सी ऑप्शन थे बी और सी ऑप्शन में देखो बी और सी ऑप्शन में देखो देखो पहले हमारा पी थ्री एग्जीक्यूट नहीं हो रहा पहले हमारा कौन एग्जीक्यूट हो रहा है पी टू तो आंसर क्या हो जाएगा पी टू हो जाएगा यानी कि सी वाला ऑप्शन क्लियर है भाई आगे देखो हाँ जी आपके पास डिस्क दे दिया और बोल रहा है कि सिलेंडर जो है आपको वो जो है ये वाला है आपके पास और एट द डिस्क रीडिंग द सिलेंडर इज ट्वेंटी मतलब हेड जो है वो आपका ट्वेंटी पे है और आपको सीक टाइम जो है वो सिक्स मिलीमीटर पर सेकेंड हर एक सिलेंडर को जो है टाइम कितना लग रहा है सिक्स मिली सेकेंड लग रहा है टोटल सीक टाइम आपको बताना है और जो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट है आपको यहाँ पे निकालना है तो सेम आपको मैंने आपको बताया था जस्ट अभी हमने क्या था और सेम क्वेश्चन किया था और मैंने कहा था सेम क्वेश्चन आपका जो है एस टी एम एल में सॉरी एस्टेट में भी आया हुआ है तो सबसे पहले बीस फिर दस फिर बाईस फिर बीस बीस तो हमने लिखी लिया फिर टू फिर फोर्टी फिर सिक्स और फिर थर्टी एट बीस से दस यहाँ गए दस फिर यहाँ पे बारह फिर यहाँ गए बीस फिर यहाँ गए थर्टी एट फिर यहाँ गए थर्टी फोर यहाँ गए थर्टी टू तीनों को ऐड कर दो वन वन फोर्टी सिक्स आ जाएगा सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो एट सेवेंटी सिक्स आ जाएगा ठीक है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यानी कि डी ऑप्शन ठीक है आगे देखो चूज द स्टेटमेंट 2019 पे आ गए अभी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉनिटर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन स्कीम दैट यूज कंडीशन टाइप वेरिएबल कौन सी कंडीशन जो है हम यूज करेंगे वो बोल रहा है तो देखो ओनली वेट वेट कंडीशन यूज करेंगे सिग्नल ऑपरेशन कैन इनवोकड ऑन एक्स इफ प्रोसेस पी इनवोक एक्स वेट ऑपरेशन देन पी सस्पेंडेड प्रोसेस प्रोसेस इनवोक एक्स सिग्नल देखो क्या बोल रहा है कि ओनली वेट वेट होगा एंड सिग्नल होगा भाई वेट और सिग्नल uh, यही दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी फिर बोल रहा है कि एक प्रोसेस पी इन अगर पी प्रोसेस ने इनवॉक किया है और वो वेट ऑपरेशन जब तक जो है पी सस्पेंड नहीं हो जाता मतलब जब तक जो है कोई दूसरी प्रोसेस इनवॉक नहीं करती सिग्नल को जब तक ये आपका जो है नहीं जब तक ये आपका सस्पेंड रहेगा जब तक जैसे ये जो है सिग्नल को इंक्रीज कर देगी तभी जो है आपका ये वाले प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये प्रोसेस ये भी आपका क्या है ट्रू है देखो एक्स सिग्नल ऑपरेशन रिज्यूम एक्टली आर सस्पेंडेड प्रोसेस इफ नो प्रोसेस इज सस्पेंडेड देन इट हैज नो अफेक्ट तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या है ट्रू है का है का क्वेश्चन अभी सिग्नल और वेट से तो आपका तीनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नेक्स्ट देखो मास स्टोरेज डिवाइस डैश इज प्रोसेस रीअरेंजिंग और रीअलोकेटिंग मैनी स्मॉल नॉन कंटिन्यूस ब्लॉक इन टू फीवर कॉन्टिग्रेन बिग साइज ब्लॉक क्या बोल रहा है

जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है फीफो से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से जो कि आपके पेज फॉल्ट में आती है ठीक है तो पेज फ्रेम का साइज इंक्रीज कर दे तो ये भी आपका इंक्रीज हो जाता है तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आगे देखिए इन अ थ्री लेवल मेमोरी हरार की थ्री लेवल मैमरी हरार की है मेन और वर्चुअल मेमोरी है फाइव नैनो सेकेंड और फाइव नैनो सेकेंड आपका वर्चुअल मैम जो है तीन है फाइव नैनो सेकेंड आपका जो है कैश मेमोरी का है आ,

बस अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे तो सो सॉल्व करने के बाद ये आएगा तो जो अप्रॉक्सीमेट आपका क्या हो जाएगा वन जीरो टू फोर ठीक है अब इसके बाद आपका एस्टिट दो हजार बीस देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने रिवीजन में ना किया हो मैं, जो हमने मेन मेन पॉइंट्स मैंने जो आपको करवाए हैं सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं भाई ठीक है अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम इसमें से कौन सी ऐसी है जो आपकी वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम नहीं है ठीक है पहलाज ऑल बिफोर रिक्वायरिंग रिक्वेस्टिंग न्यू रिसोर्स मतलब है, जो है रिलीज कर दो सारे को रिक्वायर करने न्यू रिसोर्स ठीक है तो ये आपका ट्रू होगा ना मतलब ये वाला काम हम करते हैं नंबर ऑफ यूनिकली एंड नेवर रिक्वेस्ट लोअर नंबर ऑफ देन लास्ट वन रिक्वेस्टेड ठीक है तो ये भी सही है नेवर रिक्वेस्ट रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स ये बोल रहा है कि जब तक हम रिक्वेस्ट जो है रिक्वेस्ट uh, नहीं करेंगे जब तक रिलीज ना हो जाए तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई जब तक हम रिक्वेस्ट ना करें तो ये अगर आपके पास है अगर आप जो है आपके पास आपने होल्ड कर रखे रिसोर्सेज को तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो तो ऐसा कोई रूल नहीं है ठीक है तो आपकी फॉल्स कंडीशन हो जाएगी तो ये आपका आंसर है रिक्वेस्ट एंड ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कैन बी लोकेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन तो ये भी सही है तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आगे देखो इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट फंक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म टी एफ टी की फुल फॉर्म बतानी है दैट इज फाइल फाइल एलोकेशन एलोकेशन टेबल टेबल सॉरी तो आंसर होगा बी ऑप्शन फाइल एलोकेशन टेबल दैट इज बी ठीक है आगे देखो इन प्रोसेस जो है स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द रिजाइडिंग लोकेशन ऑफ स्वैप स्ट्राप स्पेस स्वैपिंग कहाँ से होती है स्वैपिंग कहाँ से होती है डिस्क से तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक है तो इसी के साथ एक तरीके से हमने जो है पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है रिविजन की है काफी हद तक मैंने आपको हर एक पॉइंट हर एक जो है शॉर्ट पॉइंट हर एक चीज मतलब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर और मतलब मैंने जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ यहाँ से चीज़ें आएंगी सभी मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर करवा दिया है फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है या कुछ पूछना है या लग रहा है कि नहीं मैडम कुछ और भी ऐड होना चाहिए था कुछ और चीज़ें भी होनी चाहिए थी क्लास कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके जो कमेंट है सीरियसली बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि आगे वाली क्लास को इससे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ठीक है तो कमेंट लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो फिर मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ और इसी के साथ जो है आपके छे क्वेश्चन एस टी मिल गए पांच क्वेश्चन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर मेरी तरफ से जो है मैंने आपके मतलब करवा दिए कि भाई हाँ अगर आपने ये क्लास एक दो बार अच्छे से सुन ली अच्छे से पॉइंट्स बना लिए अच्छे से सारे पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस कर लिए तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करोगे नो डाउट ठीक है तो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले शेयर करें ज्यादा से ज्यादा क्लास को ताकि बाकी बच्चे भी क्लास को देख सकें ठीक है तो यही पर क्लिक करते हैं क्लास को बाइंड अप तो तब तक ले बाय टेक केयर फिर मिलेंगे डे थर्ड में ठीक है ओके थैंक यू